हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र सिंह रोज, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। कैसा रहा बच्चों आपका पेपर? आई होप आपने अच्छा किया होगा पेपर। यहाँ पर हम पेपर डिस्कस करते हैं। चलो, तो ये था डीटीएस का 13 पेपर, और इसमें जो टॉपिक कवर हमने किया है वो है सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास of combining two masses M and capital M। देखो यहाँ पे एक बात आपको दिया गया है, capital M mass जो है वो small m से क्या है, greater than है। ठीक है, तो center of mass के अंदर एक बात आपने जरूर पढ़ी होगी कि mass और mass की center of mass से distance दोनों का जो product रहता होता है वो हमेशा क्या होता है, constant होता है। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो जिसके लिए m ज्यादा होगा उसके लिए r क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसका मतलब हैवी ऑब्जेक्ट के पास सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हैवी मास क्या है, कैपिटल m मास का, तो क्लोजर टू m कंपैरेटिव टू स्मॉल m। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा डियर, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करें तो जैसे ये क्या है, एक रिंग है, रिंग के अंदर देखें तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, यहां है, केवल इसकी सर्कमफ्रेंस पे, परिधि पे है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, अगर ये यूनिफॉर्म थिन रिंग है इसका मतलब इसके सेंटर पे होगा। ठीक है ना, अगर अपन बात करें डिस्क की तो ये है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, यहां पर है। तो यहां पर देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन केवल यहां पे है, जबकि सेंटर ऑफ मास लाई कहां कर रहा है, यहां पर लाई करता है। ठीक है, जबकि यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। तो मास, सेंटर ऑफ मास जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर मिले, वो बाहर भी हो सकता है, मे बी इनसाइड, मे बी आउटसाइड, और मे बी ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी मिल सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाई विद इन आउटसाइड ऑन द सर्फेस ऑफ ए बॉडी, पिंड की सतह के भीतर, बाहर अथवा सतह पर हो सकता है। ठीक है, तो चलो ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फॉलोइंग सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, जैसे ही इस सिस्टम को आप रिलीज करेंगे तो देखो, सपोज दैट ये ए एक्सेलरेशन से ऐसे डाउनवर्ड चल रहा है। ठीक है, और ये कैसे जाएगा, सेम एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड डायरेक्शन मोशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर डाउनवर्ड्स 3mg फोर्स रहेगा जो कि इसके इधर की तरफ मोशन का सपोर्ट कर रहा है, और इसके ऊपर mg ऐसे रहेगा वो क्या करेगा, इसके ऐसे जो मोशन हो रही है उसका अपोज कर रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 3mg माइनस mg जो अपोज करता है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 3m plus m क्या हो जाएगा, 4m। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2mg by 4m, m से m को कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, g by 2 आ गया। ठीक है बच्चे, इसका मतलब a is equal to क्या हो गया, g by 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसको, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की सिस्टम के, तो वो क्या हो जाएगा, ACM वेक्टर इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें m1 मास जो है वो क्या है, देखो m1 जो मास है वो क्या है, m है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू क्या देखा आपने, g बाय 2 देखा ना, यहाँ पे अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस लेना होगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, m into plus g by 2
टू, ठीक है, प्लस एम टू कितना है, 3m मास है, और ए टू कितना है, जी बाई टू ही है, लेकिन इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा डियर, माइनस नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लेंगे, ठीक है। टोटल मास क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, m प्लस 3m कितना हो गया, 4m, ठीक है। तो ये देखो mg by 2 और ये माइनस 3mg by 2, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, केवल mg हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो गया, 4m हो जाएगा, और ये माइनस का रहेगा, तो यहां से m को कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया, g बाई 4 आया, और नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि डाउनवर्ड्स अपन ने कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जाए तो ACM वेक्टर हमारे पास क्या आया, माइनस GY4, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो हो गया GY4, और डायरेक्शन क्या हो गई डियर, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, GY4 डाउनवर्ड्स, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, ए बॉडी ए ऑफ मास एम व्हाइल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, ए बॉडी बी ऑफ मास एम बाय 3 एंड ए बॉडी सी ऑफ मास 2m बाय 3, द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज बी एंड सी टेकन टुगेदर शिफ्ट कंपेयर टू दैट ऑफ बॉडी ए टुवर्ड्स। अगर अपन यहां पर बात करें तो बेटा देखो ये ए एम मास, कैपिटल एम मास की बॉडी है ए, ये अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेटेड है, तो यहां पर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, जी है, और वो किधर है, डाउनवर्ड्स, इसी पाथ पे सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा। जब ये कुछ एक नीचे आया, यहां पर एयर में था, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, केवल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वही लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, म्यूचुअल इंटरेक्शन इनके बीच में अगर कोई होता है तो उससे सेंटर ऑफ मास की जो मोशन है वो अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी मोशन कैसे रहेगी, डाउनवर्ड एक्सेलरेट ही रहेगी, ठीक है, तो किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट मास P, Q, R एंड S विथ रेस्पेक्टिव मास 1 kg, 1 kg, 2 kg एंड 2 kg फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी फारेस्ट फ्रॉम, कहां से दूर होगा, अधिकतम दूरी पर, अधिकतम दूरी पर देखना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट, हैवियर पार्टिकल जो होते हैं उनके पास होता है, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे दूर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लाइट पार्टिकल कौन कौन है, 1 kg, 1 kg, ये दोनों P और Q क्या है, लाइट पार्टिकल है, तो इनसे दूर होगा, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर हो जाएगा, P और Q से दूर रहेगा, और R और S जो है वो हैवी पार्टिकल है, इनका मास ज्यादा है, इसका मतलब इनके पास रहेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ ए रेडियस 2r सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ डिस्क कोइंसाइड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए न्यू डिस्क इज अल्फा इनटू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास of the bigger disk, the value of alpha is। तो यहाँ पे कुछ situation ऐसी दी हुई है बेटा, देखो ये एक 2r radius की एक bigger disk है, ठीक है, इससे एक smaller disk कुछ ऐसा remove किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों की जो circumference है वो क्या है, एक दूसरे को touch कर रही है ना, coincide, तो ये डिस्क यहां से अपन ने क्या कर दी, रिमूव कर दिया, तो इधर से मास रिमूव किया, डेफिनेटली रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास किधर, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ऐसे कट करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो यहां पर कंप्लीट जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहां पे रहेगा,
इसके सेंटर पे रहेगा। ये तो सिस्टम का सीएम हो गया, ठीक है। अब इस डिस्क को हम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, एक तो कट पार्ट और एक रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो देखो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका सेंट्रोमास सपोज दैट यहां पर है, इस पॉइंट पर, ठीक है। देखो यहां पर अपन बना सकते हैं इसको, ये यहां से कट किया तो रिमेनिंग पार्ट जो है ये है, तो इसका सेंट्रोमास कुछ एक डिस्टेंस एक्स वन डिस्टेंस पे है यहां पर, और इसका जो सेंट्रोमास होगा वो कहां होगा, कट पार्ट का इसके सेंटर पे होगा। ये तो एक परफेक्ट डिस्क है तो इसके सेंटर पे होगा, और ये जो है वो सेंटर हो गया पॉइंट ओ, जो कि इस बिगर डिस्क का सेंटर है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, आर डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। तो इसका जो टोटल मास है, स्मॉलर जो डिस्क है, कट पार्ट जो है, इसका मास जो है इसके सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट का जो मास है वो क्या, इसके सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो पॉइंट मास का एक सिस्टम आ गया, और उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे, ओ पॉइंट पे है, ये पहले से अपने को पता है, क्योंकि दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है, बिगर डिस्क बन रहा है, और बिगर डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा जो कि हमारे लिए नॉन है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है, ये एम टू आर टू डिस्टेंस पे हो गया यहां पे, और ये क्या है, आर वन डिस्टेंस पे एम वन मास हो गया, ठीक है। ये दो पॉइंट मास का सिस्टम अपन ने कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो M1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 R2 हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्क क्या है, एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, क्या है, प्लेनर ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलोंग एरिया होता है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो यूनिफॉर्म डिस्क थी, तो इस मास को हम एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मास को क्या लिखेंगे यहाँ पे, M2 को और M1 को क्या लिखेंगे, यूनिट एरिया का मास इनटू एरिया, ठीक है। तो वहां पे ये यूनिट एरिया का जो सरफेस से मास डेंसिटी है वो तो क्या हो जाएगी, इधर से कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से अपन डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, A1 R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 R2 हो जाएगा। यहाँ पे A2 क्या है बेटा, जो स्मॉलर पार्ट जो है इसका एरिया है, इसका एरिया क्या है, A2 है, ठीक है। और ये रिमेनिंग पार्ट जो है इसका एरिया क्या है, A1 है, ठीक है। सॉरी, तो यहां पर देखा जाए तो R1 जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है, जिसको अपन ने X कंसीडर किया है या X1 कंसीडर किया है, R2 हमारे लिए क्या है, नॉन है, R डिस्टेंस है ना, ये देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R है। तो A1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया हो जाएगा, पाई इंटू टू आर स्क्वायर कंप्लीट बिगर डिस्क का एरिया था, और इसमें से पाई आर स्क्वायर अपन ने रिमूव कर दिया, तो ये एरिया माइनस कर दिया, इंटू एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू क्या हो जाएगा, इसका कट पार्ट का एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट मास की M1 की सॉरी M2 की वो R हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स वन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बाई थ्री आ जाएगा, विच कैन बी रिटर्न एज वन बाई थ्री इंटू आर। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था, X1 की जो वैल्यू थी ना वो क्या गिवन थी, अल्फा इंटू आर दी हुई थी, तो आपको अल्फा की वैल्यू पूछी थी, तो अल्फा को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया डियर, अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 बाई 3 आ गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 बाई 3 फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m, डेस डेस अप टू nth मास विच इज m इंटू n ग्राम आर प्लेस्ड ऑन सेम लाइन एट डिस्टेंस l, 2l, 3l, डेस डेस nl सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास
ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन सेंटीमीटर इज। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, हमने एक फिक्स पॉइंट जो है वो हम रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। यहां से एल डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट मास रखा हुआ है एम, 2L डिस्टेंस पे ये 2m मास रखा हुआ है, यहां से इसकी डिस्टेंस 2L है, और यहाँ पे 3m रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस क्या है 3L। ऐसे ही डिस n पार्टिकल रखे हुए, इसकी डिस्टेंस जो होगी वो n इंटू एल होगी, और इसका मास क्या होगा n इंटू m होगा, ठीक है। सारे पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्स मान सकते हैं इसके ऊपर को, एक्स एक्स मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं अपन, तो डेफिनेटली सेंट्रोप मास जो होगा इस सिस्टम का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो क्या रहेगा, एक्स एक्स पे लाई करेगा, ठीक है। तो एक्स एक्स पे होगा इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली जीरो होंगे, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो सारे पार्टिकल्स के जीरो हैं क्योंकि एक्स एक्स पे हैं। तो इसका मतलब अपने को सेंट्रोप मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो एक्ससीएम का फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, देखो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस डेस डेस अप टू एम एन इंटू एक्स एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टोटल मास, विच इज एम वन प्लस एम टू प्लस अप टू एम एन। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे एम इंटू एल प्लस 2m इंटू 2l प्लस 3m इंटू 3l प्लस n इंटू m प्लस n इंटू l डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m प्लस m n, ठीक है। तो Mn जो है उसका मास कितना हो जाएगा डियर, n इंटू m हमारे को गिवन है ये, ठीक है। तो देखो यहां पर m इंटू l ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो xcm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू l कॉमन लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू स्क्वायर प्लस आगे यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 ml तो बाहर आ गया ना, तो 3 स्क्वायर प्लस दिस दिस यहां पे क्या हो जाएगा n इंटू n हो जाएगा, तो n स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m नीचे कॉमन लेते हैं अगर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n यही होगा। तो देखो m से ये m जो है वो क्या कर दो आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा l, देखो ये इसको मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये n टर्म्स का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6, और यहां पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n बाई क्या हो जाएगा 2, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 होगा, ये n इंटू n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू l बाई क्या हो गया 3 हो गया। तो xcm की जो पोजीशन होगी फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2n प्लस 1 बाई l, 2n प्लस 1 इंटू l बाई 3 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा मैच कर रहा है, देखो फर्स्ट आंसर से मैच कर रहा है, इसका मतलब अपना आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोल रहा है, ए कॉर्ड इज वाउंड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ रेडियस आर, द एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज आई, द वेट एम जी इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कॉर्ड, देखो ये रोड नहीं है कॉर्ड, एंड फॉल फ्रॉम द रेस्ट आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए Distance h, the angular velocity of wheel will be। तो देखो next slide पे अपन चलते हैं, देखो question के अंदर क्या बोला है, ये एक कोई wheel है, ठीक है। इस wheel की radius कितनी है dear, r radius है, और इसके ऊपर ऐसे कोई
इसकी कोड जो है, रस्सी जो है वाउंड है, लपेटी हुई है, और इसके साथ हमने क्या कर दिया, ये एक एमजी वेट है, इसका मतलब इसका मास कितना हुआ, एम, एम मास का एक ऑब्जेक्ट क्या कर दिया इसके साथ अटैच कर दिया। इसको इनिशियली यू इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी से रिलीज किया है, रेस्ट में है, लेकिन ये डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट रहेगा ए एक्सेलरेशन से, और जब ये डाउनवर्ड्स कितना एच हाइट नीचे गिरेगा उसके बाद में इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, मान लो सपोज दैट क्या हो गया, वी हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी होगी ऐसे वो क्या रहेगी, ओमेगा रहेगी। ये ओमेगा अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर इस कॉर्ड के अंदर, रस्सी के अंदर टेंशन अगर मान लो टी है, तो यहाँ पे टी की डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, यहाँ पे टी की डायरेक्शन कुछ ऐसी रहेगी, ठीक है। इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, तो इसके ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन अपने को बनाना होगा, और ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसके रोटेशन का इक्वेशन अपने को बनाना होगा और फिर अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इस स्मॉल एम मास की, तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन टी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एम जी, और सपोज दैट ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट है, तो इसका नेट फोर्स डाउनवर्ड्स रहेगा, वो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। एफ नेट को हम एम इंटू ए बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी, तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वन देंगे आप। अब आगे अगर अपन बात करें तो व्हील की बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन सपोज दैट कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा, और इसकी रेडियस क्या है, आर। तो इस सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो इस कोड के एक्सेलरेशन के इक्वल रहेगा, और कोड का जो एक्सेलरेशन होगा, कोड के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन, वो इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसके इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन ए है, तो ए इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, अल्फा इंटू आर, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बाई आर हो जाएगा, ये रिलेशन हम रखेंगे। देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये कोड में जो टेंशन है वो इसके अंदर ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके ऊपर टॉर्क की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, टॉर्क ये टेंजेंटियली टेंशन टी, और ये कितने डिस्टेंस पे है, रोटेशन एक्सिस से आर, तो आर इंटू टी टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं अपन, आई इंटू अल्फा, टो इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ये रोटेशन की इक्वेशन होती है, तो देखो आई अल्फा इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, आई अल्फा इज इक्वल टू रखेंगे आर इंटू टी, देखो आई अल्फा को हम क्या रखेंगे, ए बाई आर इज इक्वल टू आर, टी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन से पुट करेंगे, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आर जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू ए इज इक्वल टू एम जी इंटू आर स्क्वायर माइनस एम ए इंटू आर स्क्वायर, ए वाली टर्म को एक साथ कर दो और ए को कॉमन ले लो, तो ए इधर क्या रहेगा, आई प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, एम जी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी इंटू आर स्क्वायर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। देखो अब यहां पर ए को अगर अपन देखते हैं तो जी एम आर और आई सब क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ए को हम बोलेंगे कांस्टेंट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, तो हम इसकी मोशन के स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो देखो एच डिस्टेंस नीचे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन रखेंगे, तो यहां पर
वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 + 2, ए की वैल्यू अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर ली, एम जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई, इस जीरो को अपन आप हटा भी सकते हैं। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर हो जाएगा। कैसे, इसका लीनियर वेलोसिटी वी है डेफिनेटली, इस सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी वी, जब ये एच डिस्टेंस नीचे गिर गया है उसके बाद की वेलोसिटी वी ही रहेगी। तो देखो इसके सर्कमफ्रेंस की लीनियर वेलोसिटी वी है और इस टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, वी बाई आर। देखो स्क्वायर कर दो आप, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो देखो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर जो है इस आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mgh डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं दोनों तरफ रूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2mgh बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर अगर अपन देखें तो 2mgh प्लस आई डिवाइड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर की पावर 1/2, मतलब रूट हो गया, तो थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए व्हील इज रोलिंग अलोंग द ग्राउंड विथ स्पीड 2 m/s, इसका व्हील का जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड जो है वो क्या है, 2 m/s दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, देखो ये व्हील है, ये इस ग्राउंड पे प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल डायमीटर का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की जो वेलोसिटी है इसकी तो कुछ ऐसे ही अंदाज में आएगी, रूट 2 इंटू वी, और इसका कुछ ऐसे आएगा रूट 2 इंटू वी, वेयर वी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जब ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर अपन देखें इसकी पॉइंट की वेलोसिटी, ये बी पॉइंट मान लो, तो वी बी इज इक्वल टू क्या आया, वी सी इज इक्वल टू, ये पॉइंट सी है मान लो, या फिर डी मान लो इसको, तो ये वी बी इज इक्वल टू वी डी रूट 2 इंटू वी, और वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 cm, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 cm, सॉरी मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में गिवन है तो मीटर पर सेकंड में अपना आंसर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2√2 थर्ड आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 N·m टर्न ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 kg·m² अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। देखो टॉर्क आपको गिवन है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, जब टॉर्क कॉन्स्टेंट है तो अल्फा जो होगा एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, टॉ की वैल्यू क्या हो गई, 1000 बाई अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 rad/s², ठीक है। 3 सेकंड बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको देखनी है, तो अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, स्टार्ट ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, तो 5 इंटू कितना, 3 सेकंड, मतलब कितना हो जाएगा, 15 rad/s हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट
where he is. देखो ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका ये डायमीटर हो गया, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं पर होगा, तो इसको हम ICM बोल सकते हैं, और इससे एक्स डिस्टेंस पे ये एक कोई एक्सिस है और इसके पैरेलल है, इसके अबाउट क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई रहेगा, तो ये आई जो है वो हम पैरेलल एक्सिस की थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या हो जाएगी डियर, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस इसका मास है सपोज दैट एम, तो एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आई और एक्स के बीच में अपने को ग्राफ देखना है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा ऐसे रखें, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आई सी एम, आई सी एम की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो रही है, वो कितनी हो जाएगी 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगी, एक्स वेरिएबल है, आई वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करो, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी से, के एक्स स्क्वायर प्लस सी से, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा रहेगा, देखो सी, सी क्या है ICM, तो ICM x is equal to 0 के लिए, और फिर ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये x और i के बीच में ग्राफ आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ए सॉलिड सिलेंडर हैज ए मास m एंड रेडियस r एंड लेंथ l, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to its axis is. तो देखो ये एक कोई solid cylinder है, ठीक है, ये क्या है solid cylinder है, ठीक है। अब इस solid cylinder का ये क्या हो गया, geometrical axis हो गया, ठीक है। इसका ये सेंटर है, इसके सेंटर से पासिंग ये एक्सिस और परपेंडिकुलर है इसके, इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको, एल है, इसकी रेडियस कितनी है डियर, आर है, और इसका टोटल मास कितना है एम। तो देखो सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अगर अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहां पर अपन एक छोटी सी ट्रिक याद रखते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको अगर अपन छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं तो इसका जो छोटा सा पार्ट जो बनेगा वो एक क्या बनेगा, थिन डिस्क बनेगा, क्या बनेगा, डिस्क, ठीक है। और इनको जोड़ दिया जाए तो ये एक रोड हो गई, जो कि वो छोटे छोटे बहुत सारे डिस्क से मिला मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आई अपना जो ट्रिक रहेगा वो क्या हो जाएगा डियर, रोड प्लस डिस्क हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक से अपन इजी गोइंग में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, इस रोड के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, इसके सेंटर से पासिंग और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, उसके लिए क्या होता है एम आई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आई रोड, ट्रिक क्या है, रोड प्लस डिस्क है ना, तो आई रोड प्लस आई डिस्क ऐसे करेंगे, ठीक है। आई रोड, रोड का इस एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 है, प्लस ये जो एक्सिस है वो क्या रहेगा, देखो इस डिस्क को, यहां पे ये डिस्क है, आपको ऐसा दिख रहा है ना, इसका कैसे रहेगा डायमीटर एक्सिस, डायमीटर एक्सिस के अबाउट क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखते हैं, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, ए कंसेंट्रिक सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर इज कट आउट सो एज टू लीव एन एंगुलर डिस्क ऑफ मास एम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंगुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है, ये एक डिस्क है, ये क्या है डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है
आर रेडियस है, और इसके अंदर से यहाँ से हमने एक स्मॉल आर रेडियस का एक कंसेंट्रिक सर्कुलर डिस्क स्मॉलर जो है वो रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्क का वो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो डिस्क ऑफ इसका मास जो है वो क्या है, टोटल मास जो ये रिमेनिंग एंगुलर डिस्क जो है इसका टोटल मास m है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, यूनिफॉर्म थिकनेस है इसकी, ये हम सपोज कर रहे हैं। आपको इस सेंटर पॉइंट O से पासिंग और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, कहां से, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, आर नहीं, आर से तो पहले अपने को इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी जो रेडियस है वो आप क्या कंसिडर करेंगे, एक्स कंसिडर करेंगे, और इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है, डी एक्स थिकनेस का एक ये एलिमेंट आप कंसिडर करो। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट आपने कंसिडर किया है इसकी विड्थ थी ऐसी क्या है, डी एक्स है, और इसकी रेडियस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो टोटल मास कितना है इसका, एम है, तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास एम अपॉन में, ये कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर टोटल एरिया माइनस इसका जो कट पार्ट है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर, तो ये आप पाई कॉमन रखो, स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है डियर, अब देखो ये जो एलिमेंट है, ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसका मास कितना है, डीएम है। ठीक है, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया डीए, तो डीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर सिग्मा क्या है, एम बाई पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा। देखो अगर इसको यहां से अपन ब्रेक करते हैं और सीधा कर लेते हैं तो इसकी टोटल लेंथ तो कितनी हो जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल ये तो हो जाएगी 2 पाई एक्स, और ये कितनी हो जाएगी, विड्थ डी एक्स हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, यहां से पाई को आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो यहां पर डीएम जो है एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, उसका मास 2 इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये डीएम मास। अब जो ये एलिमेंट आपने कंसीडर किया है, ये एलिमेंट क्या है बेटा, इस एलिमेंट को आप एक रिंग एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, रिंग एलिमेंट कंसीडर करेंगे, तो इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर से पासिंग और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या होगा, आई इंटू मास ऑफ रिंग इज डी एम, और जो रिंग है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एक्स अपन ने कंसीडर किया है तो x square, dm की वैल्यू यहां से अपन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m by r square minus small r square into x, और ये x square कितना हो जाएगा, x की पावर 3 into dx हो जाएगा। अब देखो ये एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तो इसको आप di से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये di is equal to क्या हो जाएगा, 2m r square by minus r square x की पावर 3 into dx, ये एलिमेंट का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने को तो इसका कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di, di क्या है, देखो 2m अपॉन में r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप क्या रखेंगे, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन अपन करते हैं कहां से, x वेरी करेगा स्मॉल r से कैपिटल r तक, तो
तो स्मॉल आर से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 बाई 4, हायर लिमिट इज कैपिटल आर एंड लोअर लिमिट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो देखो ये 4 जो है इसको भी आप बाहर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा m I is equal to m by 2 r square minus small r square, और ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा higher limit r की power 4 minus small r की power 4 हो जाएगा। ठीक है, देखो r की power 4 minus r की power 4 को हम क्या लिख सकते हैं, m r square plus small r square into r square minus small r square। ठीक है, डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आई जो है वो हमारे पास क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस को अपन चेक करें तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट विद ए बीम बैलेंस एन अननोन मास एम इज बैलेंस्ड बाय टू नॉन मास, फर्स्ट इज 16 केजी एंड सेकंड इज 4 केजी एज शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ अननोन मास एम इज। देखो दो केसेस गिवन है, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो L1 गिवन है और यहां पे ये 16 केजी मास अटैच, ये कितना है 16 केजी और यहां पे इसको बैलेंस किससे कर रहे हैं डियर, एम मास से कर रहे हैं। ये जो लेंथ है वो कितनी है L2 है और ये कितनी है L1 है। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं सपोज दैट पी पॉइंट बोलते हैं, इस P पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका वेट जो होगा वो कुछ ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसका जो टॉर्क है वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका मतलब L2 into mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर 16 जी इंटू L1, जी से आप जी को कैंसिल कर दो, 16 L1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 इंटू एम हो जाएगा, तो यहां से L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर एम बाई 16 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। नेक्स्ट सेकेंड केस जो है वो क्या है बेटा, देखो यहां पर अब की बार जो लगाया है आपने 16 केजी की जगह आपने 4 केजी रखा है, क्या रखा है 4 केजी, और ये जो लेंथ है वो कितनी है L2 है और ये लेंथ कितनी है L1 है, यहां पर जो मास है वो कितना है M है। ठीक है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इस P पॉइंट के अबाउट अपन क्या करते हैं अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो जाएगा इसका फोर्स तो हो गया 4g into L2 हो गया इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस P पॉइंट के अबाउट, ये किसके इक्वल रहेगा इसका फोर्स हो गया mg और ये लेंथ कितनी है L1, तो यहां से जी कैंसिल कर दो आप, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 बाई एम हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो आप, तो L1 बाई L2 की वैल्यू क्या है m बाई 16 है विच इज इक्वल टू 4 बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लेंगे तो ये एम स्क्वायर और ये कितना हो गया 64, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा
8 kg, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ml स्क्वायर बाय 12, वेयर m इज मास एंड l इज लेंथ ऑफ रोड। द रोड इज बेंट इन द मिडिल सो दैट टू हाल्फ मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रोड अबाउट द सेम एक्सिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ये एक कोई रोड है, ये थिन रोड है, इसकी लेंथ कितनी है डियर, l लेंथ है, और मास कितना है इसका, m मास है। ये सेंटर से पासिंग और परपेंडिकुलर एक्सिस जो है इसके अबाउट i जो रहेगा वो क्या रहेगा डियर, m l स्क्वायर बाई 12 रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर से, ऐसे रोड थी और यहां से इसको सेंटर से क्या कर दिया, बेंट कर दिया। तो नई सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया, ये आधा पार्ट तो इधर ऐसे हो गया और ये आधा जो पार्ट है वो कुछ ऐसा हो गया। यहां पे ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। और एक्सिस जो है वो ही मतलब रोड के परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये सेंटर से आपने बेंट किया है, तो ये लेंथ कितनी हो गई डियर, l by 2, और ये लेंथ कितनी हो गई, l by 2। यूनिफॉर्म रोड थी, टोटल मास था m, तो हाफ लेंथ की जो रोड होगी उसका मास कितना हो जाएगा, m by 2, और इसका क्या हो जाएगा, m by 2, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो ये एक l by 2 लेंथ का जो रोड है उसके एक एंड से पासिंग एक्सिस हो गया और परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। और सिमिलर इस जो रोड है l by 2 लेंथ की, इसके लिए हो जाएगा l by 2 इसकी लेंथ हो गई और इसके एंड से पासिंग है परपेंडिकुलर है लेंथ की। तो यहां पर देखो इन दोनों रोड का अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मास m by 2, ठीक है, इनटू लेंथ कितनी है l by 2 का स्क्वायर बाई, ये रोड है कुछ ऐसा, ये ऐसा, तो इसके एंड से पासिंग है ना, एंड से पासिंग के लिए क्या होता है, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर बाई 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा m by 2 l by 2 का स्क्वायर बाई 3। तो ये देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 8, 8 24, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर बाई 24 प्लस m l स्क्वायर बाई 24। इसको एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर बाई 12 बन जाएगा। इसका मतलब अपन ने एक्सिस की पोजीशन चेंज नहीं करी थी, ओरिएंटेशन सेम था, केवल सेंटर से उसको बेंट कर दिया, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हुआ, मास तो खैर सेम था ही, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा, सेम रहा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो क्या रहेगा डियर, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। बेंट करने से, सेंटर से बेंट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। ए टेप कैन बी ऑपरेटेड इजीली यूजिंग टू फिंगर्स बिकॉज, देखो आपने नल को देखा होगा, टेप को देखा होगा, उसको ऑपरेट करते हैं तो जैसे नल होता है वो कैसा होता है डियर, कुछ ऐसा होता है, और इसके ऊपर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर देखो यहां पर एक जो अंगुली है, फिंगर है, वो कुछ ऐसे फोर्स लगा रही है, और ये थंब जो है, दूसरा फिंगर जो है वो आपका कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो एक फोर्स यहां पर जो लगा वो किधर लगा, कुछ ऐसे लगा इधर की तरफ, और एक फोर्स इधर की तरफ, दूसरी फिंगर्स ने इधर की तरफ लगाया, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये एक कपल टॉर्क बनेगा, यहां पर टॉर्क बनेगा जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, रोटेशन होता है। जब दो फोर्स एक दूसरे के
अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे से कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जिनकी एक्शन लाइन जो है वो कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, तो उस कंडीशन में एक कपल प्रोड्यूस होता है जो कि उसके अंदर रोटेशन करवा सकता है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देखते हैं, फोर्स अवेलेबल फॉर ऑपरेशन विल बी मोर, नेट टॉर्क बिकम जीरो। देखो टॉर्क जीरो तब होता जब ये दोनों फोर्स की एक्शन लाइन क्या होती, सेम होती, जबकि दोनों उंगलियों को अपन कुछ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगाते हैं जिसकी वजह से एक्शन लाइन जो है डिफरेंट आती है। इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। द रोटेशनल इफेक्ट इज केज्ड बाय कपल फॉर्म, दो फोर्स का कपल फॉर्म हो गया जिसकी वजह से रोटेशन होगा। तो ये अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, एक कॉन्स्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील चेंज इट एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम ए नोट टू फोर ए नोट इन 4 सेकंड, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू होता है डेल एल बाई डेल टी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम By time interval, क्या रहेगा, applied torque के equal रहेगा। तो इसको आप L2 minus L1 by T2 minus T1 भी रख सकते हैं। तो torque is equal to क्या हो जाएगा, देखो final momentum क्या था, angular momentum 4A naught minus initial angular momentum कितना था A naught by total time interval कितना 4 second आपको given है, तो ये कितना हो जाएगा 3 A naught by 4 हो जाएगा, this is टॉर्क। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए रोड ऑफ वेट W इज सपोर्ट बाय टू पैरेलल निफ एज ए एंड बी एंड इज इन इक्विलिब्रियम इन ए हॉरिजॉन्टल पोजिशन, द निफ्स आर एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, the center of mass of road is at a distance x from a, the normal reaction on a is। देखो कुछ ऐसा दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, ये एक कोई रोड है, ठीक है, यहां पर एक ये निफ एज ए है और एक निफ एज ये, ठीक है, इसको आप ए बोल दें और इसको आप क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। इन दोनों का जो सेपरेशन, यहां पर देखो कॉन्टेक्ट है तो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगी एन ए, और ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा रोड के ऊपर एन बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है डियर, डी गिवन है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड एट डिस्टेंस x फ्रॉम a, ए सी एक्स डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस है, यहां पर cm है, यहां पर क्या है cm है, और यहां पर ही हम इसका रोड का वेट कंसिडर कर सकते हैं mg, विच इज इक्वल टू w, रोड ऑफ वेट w। तो देखो ये टोटल d था, तो यहां से b से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, d माइनस x नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये रोड क्या है, रोड इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब रोड जो है वो तो एक रिजिड बॉडी है ना, तो रिजिड बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे डियर, इसके अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों है, तभी हम इसको इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इज, तो ए के ऊपर यहां पे रोड के ऊपर ए ने ऊपर की तरफ एन ए रिएक्शन लगाया, सेम रिएक्शन जो होगी वो ए के ऊपर रोड लगाएगा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं पेयर, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो एन ए अपने को कैलकुलेट करना है डियर,
तो एन ए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट बी, अबाउट पॉइंट बी। तो देखो यहां पर देखा जाए तो ये इसका वेट जो है वो इस पॉइंट बी कहां है, पॉइंट बी यहां पे है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। तो बी पॉइंट के अबाउट इसका डब्ल्यू का जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वल का, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है। ये जीरो कब होगा, जब क्लॉकवाइज टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहे, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो रहेगा वो क्या रहेगा डियर, वेट मतलब डब्ल्यू और इसकी डिस्टेंस क्या है डी माइनस एक्स है, ठीक है। और क्लॉकवाइज टॉर्क क्या रहेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क एन ए प्रोड्यूस करेगा, तो एन ए प्रोड्यूस करेगा तो कुछ ऐसा रहेगा क्लॉकवाइज टॉर्क, तो एन ए इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई बी से, एन ए इंटू क्या हो गया डियर डी हो गया, ठीक है। तो इसको आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी इंटू डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें, ये देखो W अपने को दे रखा था तो D भी दे रखा था, X भी दे रखा था, तो ये सारे नॉन है, इसका मतलब NA का आंसर अपना आ गया। तो W D माइनस X बाई डी, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो ए फोर्स F फैक्टर इज इक्वल टू दिस is acting a point, acting at a point, उसकी position vector आपको दे रखा है, R1 vector is equal to IK plus 2JK plus 3K cap, the torque acting about a point R2, R2 हमारे को दे रखा है 3IK minus 2JK minus 3K cap। तो देखो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये एक कोई अपन रेफरेंस पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है ये समझ लो। तो इसके अबाउट ये आर वन वेक्टर हो गया, ये आर वन वेक्टर हो गया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आर वन वेक्टर हमारे को गिवन है, आर वन वेक्टर क्या है, आर वन वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के के, ठीक है। और इससे R1 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, मान लो इस पॉइंट 1 का, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है और वो फोर्स क्या है, F वेक्टर है, F वेक्टर अपने को गिवन है, ठीक है। अपने को टॉर्क कैलकुलेट करना है इस फोर्स का किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये किस पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, तो ये सपोज दैट पॉइंट सेकेंड है, इसकी पोजीशन वेक्टर कौन सी होगी, आर टू वेक्टर ये होगी ना, ठीक है। आपको इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके अबाउट कैलकुलेट करना है तो इसके अबाउट इसकी वन की पोजीशन वेक्टर देखो, आप ये पोजीशन वेक्टर ये होगी आर वेक्टर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ओ टू के अबाउट फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, टो वेक्टर इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। अब यहां पर R वेक्टर हमारे पास नहीं है, R वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ठीक है। तो सेम ऑर्डर में R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, R1 वेक्टर के, तो R1 सॉरी R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा। R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां से r वेक्टर अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 को माइनस करना है r1 से, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 i के, ठीक है। और ये 2 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा j के, और 3 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 6 k के, ठीक है। और f वेक्टर हमारे पास क्या है डियर, f वेक्टर हमारे पास गिवन है 4 i के f माइनस 5 j के f, 4 i के f माइनस 5 j के f प्लस 3 k के, ये गिवन है। अब देखो अपन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क आएगा, तो अपन चलो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और के कैप रखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट सेकंड रो में आएगा आई कैप का मल्टीप्लायर आर वेक्टर में क्या है, माइनस टू प्लस फोर और प्लस सिक्स, ठीक है। और एफ के अंदर क्या है, फोर माइनस फाइव और क्या है, प्लस थ्री है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें आई केफ रखते हैं, आई केफ रखेंगे तो इस रो को, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, तो स्क्वायर ये बचा क्या हो जाएगा, 12 है माइनस, और देखो ये माइनस 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 30, ठीक है। प्लस जे केफ, प्लस जे केफ रख रहे हैं तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24, फिर माइनस, ठीक है। फिर ये कितना 6 हो जाएगा, और माइनस 6 होगा, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। और प्लस के कैप, के कैप के अंदर क्या हो जाएगा, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। और माइनस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6, तो ये कितना आ गया, 42 i के प्लस 30 j के माइनस 6 से k कैफ हो जाएगा, ये क्या है बेटा, टॉ वेक्टर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 अपन देखते हैं, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ l एंड मास m इज हेल्ड वर्टिकली with its bottom end pivoted to the floor. The road falls under gravity freely turning about the pivot. If the acceleration due to gravity is g, what is the instantaneous angular speed of road when it makes an angle theta 60 degree with a vertical? तो देखो कुछ ऐसा दे रखा है, ये एक रोड है, ठीक है, इसको ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखा हुआ है इनिशियली, और यहां पे क्या कर रखा है, इसको पाइवट कर रखा है, ठीक है। ये इसको यहां से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या करती है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेशन करेगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पोजिशन कौन सी, वर्टिकल के साथ ये जब 60 डिग्री एंगल पे है, किस एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है, उस कंडीशन में आपको क्या बताना है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो ये अभी जो है रोड, मान लो यहाँ पे वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है, 60 डिग्री एंगल पे है, और इस सिचुएशन में इसका इस पॉइंट ओ मान लो यहाँ पे जहां पे आपने पाइवट कर रखा है, इसके अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पाइवट कर रखा है, हम यहां पर फ्रिक्शन को एब्सेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो डेल P
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के इक्वल हो जाएगा। देखो यहां पर इसका ओमेगा नोट जो था वो क्या था, जीरो था, फाइनली यहां पर ओमेगा हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो क्या होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और यहां पर एक चीज आपको और देखना है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 1/2 I into ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh हो गया, ठीक है। अब h क्या होगा, इनिशियली देखा जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है बेटा, यहां पर है, तो L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास कहां आ गया, फाइनली यहां पर आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 नहीं हो गई क्या, L/2 हो गई। तो देखो यहां से मैं क्या करता हूं, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन आ रही है, ये तो डिस्टेंस हो गई L/2 और ये वर्टिकल लाइन हो गया वर्टिकल, और ये यहाँ पे नॉर्मल आपने ड्रॉ किया और ये एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो गई, L/2 cos 60 degree नहीं हो गई क्या, L/2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा L/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा L/4, 1/2 into L/2 कितना हो जाएगा L/4। इसका मतलब अभी जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है यहां पॉइंट ओ से वो कितनी है L/4 है, इनिशियली कितना था L/2 था। तो यहां पर h की वैल्यू जो है वो h की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, h इज इक्वल टू हो जाएगा L/2 इनिशियली हाइट थी और अभी जो है वो क्या है L/4 है, तो ये कितना आ जाएगा L/4 आ जाएगा h की वैल्यू, h की वैल्यू यहां पर अपन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा mg into L/4 इज इक्वल टू 1/2 into I क्या रहेगा। देखो ये रोड जो है वो इस पॉइंट O के अबाउट रोटेशन कर रही है, तो इस पॉइंट O के अबाउट रोटेशन कर रहा है, तो एक एंड से पासिंग एक्सिस है ये, तो क्या रहेगा L² / 3 रहेगा और इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक L से एक L को आप कैंसिल कर दो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, M से M यहां पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है, M से M को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 2 ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3g/2 और ये L यहां से नीचे आ जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3g/2L हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर चेक करते हैं डियर, 3g/2L अपना जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3g/2L की पावर 1/2 रूट मतलब 1/2 पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, ए टोटल टॉर्क अबाउट पाइवोट ए प्रोवाइडेड बाय फोर्सेस एज शोन इन फिगर 4, L इज इक्वल टू 3 meter, L की वैल्यू क्या है 3 meter है, ठीक है। अब देखो ये रोड है, इस रोड के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का टॉर्क अपन देखेंगे और टॉर्क का वेक्टर सम करेंगे तो नेट टॉर्क हमारे पास आएगा, ठीक है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर के परपेंडिकुलर फोर्स या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स देखना है अपने को, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट ए से पासिंग है कि नहीं है, पासिंग है इसका मतलब इसका टॉर्क नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट ए के अबाउट अपने को टॉर्क कैलकुलेट करना है, देखो और ए से पासिंग इसकी एक्शन लाइन है, इसका मतलब इसका टॉर्क जीरो होगा बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो। सिमिलरली ये जो फोर्स है 50 newton, इसकी एक्शन लाइन भी कुछ ऐसी है, वो भी ए पॉइंट से पासिंग है, इसका मतलब इसका भी टॉर्क क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा,
ठीक है। अब हमारे पास एक तो ये फोर्स बचा, एक ये बना और एक ये तीन फोर्स जो होंगे उनके ही टॉर्क बनेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर इस 70 का कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे अपन, तो एक तो कंपोनेंट इधर आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर है, वो कितना हो जाएगा 70 cos 60 degree, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 35 नहीं हो जाएगा क्योंकि इधर, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या है, पॉइंट ए से पासिंग है, तो इस कंपोनेंट का कोई टॉर्क नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको आप स्प्लिट तो करके देख लिए 70 sin 60 degree, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो इस 80 को कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, इसका एक कंपोनेंट तो कुछ ऐसा रहेगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो भी इस लाइन से पासिंग है, इसका भी टॉर्क नहीं बनेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, इधर रहेगा, वो क्या हो जाएगा 80 sin 30 degree, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है आर के, इसका मतलब इसका टॉर्क बनेगा। तो देखो एक तो ये कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर अपने को केवल ये कंपोनेंट चाहिए, इस कंपोनेंट को अपने को कोई इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो केवल हम ये ही कंपोनेंट लेंगे जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पे ये डिस्टेंस कितनी है, L/2 डिस्टेंस है बेटा, L/2 डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, इधर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 60 N फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ ऐसे लग रहा है, वो 80 sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है, ठीक है। और एक जो ये कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो क्या रहेगा, 35 इधर की तरफ, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, L है, ठीक है। यहां पर देखो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो 60 N है वो कैसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो टॉ नेट अपन को कैलकुलेट करना है, तो टॉ नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉ 1 वेक्टर प्लस टॉ 2 वेक्टर प्लस टॉ 3 वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका एंटी क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप देखो टॉ नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 80 × 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, L/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 35 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L, L की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। फिर देखो ये 60 जो है वो कैसा है, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, -60 × 3/2 नहीं हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है L/2 3/2, तो ये देखो 2 × 2 = 4 इससे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 + 105, कितना आ गया 105, ये कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, और 30 × 3 = 90, तो ये -90, तो ये कितना हो जाएगा 75 N·m अपना आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, द मोशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड फोर्थ इज स्पीड। तो देखो केपलर सेकंड लॉ जो है वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो मोशन ऑफ ए प्लैनेट है अराउंड ए सन, उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्लैनेट के ऊपर जो नेट टॉर्क जो है वो क्या है, जीरो है, इसका मतलब टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो क्यों, क्योंकि ये मान लो सन है और ये प्लैनेट है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो ये इसी पॉइंट से एक्सिस, इस रोटेशन एक्सिस से पासिंग है, इसका मतलब इसका टॉर्क जीरो होगा। इस फोर्स का टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। या फिर केपलर सेकंड लॉ के अंदर आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी के साथ मोशन होता है, तो वहां से हम ये चीज प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो अपना आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण थर्ड आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अपन देखते हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो ये क्या है, एक रिंग है। ये रिंग जो है ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन कर रही है। इसका मास कितना है, m है, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है डियर, r रेडियस है, ठीक है। Four object each of mass m are kept gently to the opposite end of two perpendicular diameter of the ring, then angular velocity of ring will be. देखो हमने क्या किया, gently इसकी दो perpendicular diameter हमने ये consider कर लिए, एक point mass यहाँ पे, एक point mass यहाँ पे, एक point mass यहाँ पर और एक point mass यहाँ पर, ये चार पॉइंट मास रखे और m कैपिटल m मास है इसका, और इसकी रेडियस जो है वो क्या है डियर, r है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका ओमेगा है वो क्या है, ओमेगा डेस है। तो अगर अपन बात करें यहां पे एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर क्या है, जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम यहां पे लगा सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसका मतलब एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एल फाइनल कर देंगे, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ठीक है। पहले जो था वो क्या था, एम इंटू आर स्क्वायर, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो, कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये तो रिंग का हो गया, प्लस ये देखो इस पॉइंट मास की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, ये कैपिटल एम है बेटा यहाँ पे देखो, और ये एक पॉइंट मास का है, चारों पॉइंट मास जो है वो क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम मास है, इसका मतलब सिंपली फोर से मल्टीप्लाई कर दो, ये I2 हो गया और ओमेगा डे से एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R स्क्वायर जो है कॉमन लेके आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो कैपिटल M इंटू ओमेगा बाई कैपिटल M प्लस ये क्या बचा, फोर स्मॉल m, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा डे हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो आ रहा है वो क्या है, कैपिटल एम ओमेगा भाई एम प्लस फोर एम, इसका मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 24, ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अराउंड द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ए viscous fluid of mass m is dropped at the center and is allowed to spread out the finally fall, the angular velocity during this period. क्या कह रहा है देखो, यहां पे ये कोई एक horizontal platform है, ठीक है, ऐसा कोई horizontal platform है। इस horizontal platform की अगर अपन बात करें, ये एक circular disc है, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने क्या स्प्रेड कर रखा, ये कोई लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है। अगर ये रोटेशन कर रहा है तो इसके ऊपर जो फ्लूइड पार्टिकल हैं, इन फ्लूइड पार्टिकल पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन
एक सुडो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जिसको कह सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये मीडियम पार्टिकल क्या करेंगे, सॉरी लिक्विड पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। विस्कस लिक्विड है, इसका मतलब क्या होगा कि एक मीडियम पार्टिकल जा रहा है तो उसके साथ नीचे वाला जो दूसरा मीडियम पार्टिकल है उसको भी वो एक साथ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये मीडियम पार्टिकल सॉरी लिक्विड जो पार्टिकल है, ये लिक्विड पार्टिकल रोटेशन एक्सिस से क्या जा रहा है, दूर की तरफ मूव कर रहे हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर होगा इसका मतलब आई क्या होगा डियर, इंक्रीज होगा। आई इंक्रीज होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम क्या बोलते हैं कि आई इंटू ओमेगा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रेडियली आउटवर्ड मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ठीक है। ओमेगा डिक्रीज हुआ जैसे ही यहां पे मीडियम ये लिक्विड पार्टिकल सर्कमफ्रेंस पे पहुंचेंगे, उसके बाद में सुडो फोर्स की वजह से ये बाहर जाएंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, तो वो मास क्या हो गया, हट गया। अब उसके बाद में फाइनली जब ये नीचे गिर जाएगा, जो पूरा लिक्विड है वो नीचे गिर गया, उसके बाद में इसका आई जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आई क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, आई कॉन्स्टेंट रहेगा इसका मतलब ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कंटिन्यूअसली आफ्टर फॉलिंग बिकम कांस्टेंट, जब ये पूरा लिक्विड नीचे गिर जाएगा उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि आई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर जो है वो कौन सा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ए बैल डांसर डांसिंग ऑन द स्मूथ फ्लोर इज स्पिनिंग अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस with her arms folded with an angular velocity of 20 radian per second, when she stretches her arms fully, the spinning speed decreases in 10 radian per second. If I is the initial moment of inertia of the dancer, then new moment of inertia will be. देखो, ये क्या है? Dancer है. ठीक है? पहले इसने क्या कर रखे थी, आर्म्स को अपने हाथों को फोल्ड कर रखा था ऐसे, ठीक है, और ये इस सिचुएशन में अपने इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है बेटा, इस स्मूथ फ्लोर के ऊपर ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकंड से रोटेशन कर रहा है, और इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इनिशियल आई है, ठीक है। व्हेन सी स्ट्रेच स्ट्रेच करता है, सीधा ऐसे कर लेता है, सीधा ऐसा करेगा, इसका मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा, ये डांसर है, अब देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन रोटेशन एक्सिस से क्या हो गया, दूर हो गया है, आई क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है, तो डेफिनेटली ओमेगा डिक्रीज होगा। तो यहां पर देखो इस सिचुएशन में ओमेगा जो है डेस वो कितना हो जाएगा, 10 रेडियन पर सेकंड डिक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस सिचुएशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया है, आई डेस हो गया है, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल हो जाएगा, एल फाइनल, एल इनिशियल क्या था, आई वन इंटू ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा, पहले कितना था आई इंटू ओमेगा कितना था 30 इज इक्वल टू नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डेस हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, सॉरी 30 नहीं है, ये कितना है, ओमेगा की वैल्यू है वो 20 है बेटा, ठीक है। तो यहां पे आई डेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i आया, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन एक्स वाई प्लेन विद ए वेलोसिटी v अलोंग द स्ट्रेट लाइन ab, इफ द
एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ इज एल ए व्हेन इट इज एट ए एंड एल बी व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग यहां पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, वी था, और यहां पर भी क्या है, वी है, ठीक है। आपको यहां इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना है, क्या देखना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, यही होता है। तो देखो ये क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये मास है, ये दोनों तो क्या है पार्टिकल के लिए कॉन्स्टेंट अपन कंसिडर कर रहे हैं, आर परपेंडिकुलर देख रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट के लिए देखा जाए तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस लाइन के अलोंग है और ये ही इस बी पॉइंट के लिए है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए यहां पे अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये क्या आएगी, आर परपेंडिकुलर आएगी। तो आर परपेंडिकुलर देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए क्या है, सेम है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ए सॉलिड स्फीयर बॉल रोल्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग मतलब स्लिपिंग नहीं है, केवल और केवल रोलिंग मोशन कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, देखो के ई रोटेशनल क्या होता है बच्चे, 1/2 एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और के ई टोटल मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का सम करेंगे, मतलब के ई रोलिंग बोल सकते हैं, हम रोलिंग काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2/5 होगी, क्या होगी बच्चे, 2/5, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको क्या, आपको देखो आईसीएम का फॉर्मूला याद रखना है, सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू बताएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो रिंग के लिए बात करता है तो आईसीएम रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पे इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1 है ना, तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू को आप डायरेक्ट यहां से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पासिंग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पहले से ही पता होता है। तो उसमें एम आर स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन में जो होगा वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है ना। चलो तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, 2/5। अब देखो अपने को रेशियो किसका चाहिए, रोटेशनल टू टोटल, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2/5/1 + 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5/7/5, 5 से 5 कैंसिल कर दो, क्या आंसर आएगा, 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/7 मीन्स अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ए थिन होलो सिलेंडर अपॉन इट बोथ एंड्स स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग, इसका मतलब इसको तो आप प्योर ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हो, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और रोल्स विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब इसको हम कौन सी मोशन बोलेंगे, प्योर रोलिंग मोशन बोलेंगे, ठीक है। विद द सेम स्पीड
the ratio of kinetic energy in two cases. ठीक है, तो पहले केस में क्या रहेगा, के ही ट्रांसलेशनल रहेगा, ट्रांसलेशनल, और सेकंड केस में के ही रोलिंग रहेगा. ठीक है, विथ सेम स्पीड. स्पीड क्या है बेटा, सेम है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड सेम है, मान लो उसकी वेलोसिटी है v, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 1 by 2 mv square, और रोलिंग क्या हो जाएगी 1 by 2 mv square, 1 plus k square by r square. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1 by, देखो होलो सिलेंडर की बात करो चाहे से रिंग की बात करो, दोनों के लिए ICM क्या होता है डियर, 1 by 2, सॉरी MR square होता है, क्या होता है MR square. तो रिंग की बात करो चाहे होलो सिलेंडर की बात करो, तो यहां पे MR square की मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है, इसका मतलब K square by R square की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये 1 यहां पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 plus 1 2, तो 1 by 2 इट्स मीन अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा डियर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29. देखो इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय. ठीक है, देखो परसेंटेज चेंज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, गिवन जो परसेंटेज चेंज है वो अगर 5% या बिलो 5% है तो उसके लिए आप जो एरर के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखा था वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 5% आ रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, आप इसको ट्रिक को याद रखेंगे, देखो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, ये दोनों कैसे रिलेट कर रही है, सपोज दैट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर एन, एंड परसेंटेज चेंज इन बी इज गिवन एंड परसेंटेज चेंज इन ए जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा देखो इधर परसेंटेज चेंज इन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, बी टू की पावर एन माइनस बी वन की पावर एन बाई बी वन की पावर एन इंटू 100, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे व्हेन गिवन परसेंटेज चेंज इज ग्रेटर देन 5%, जब परसेंटेज चेंज 5% से ग्रेटर देन हो तब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे. अब देखो यहां पे आप बोलोगे कि सर ये बी वन क्या रखना है और बी टू क्या रखना है, परसेंटेज चेंज है तो इसमें आप बी वन को 100 मान लो, क्या मान लो 100, तो बी टू क्या हो जाएगा, B1 100 कंसीडर किया, B2 10% इंक्रीज किया है, तो 100 का 10% मतलब 10 ही होगा, तो 100 में 10 ऐड कर दो. ठीक है, तो यहां पे परसेंटेज A और B को अगर रखें तो देखो A और B क्या है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आपको पूछ रहा है, और किस में चेंज दिया है, एंगुलर मोमेंटम के अंदर, तो देखो KE इज इक्वल टू क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन में 2i होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां पर देखो के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा किसके, एल स्क्वायर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एल स्क्वायर के, तो एल के अंदर परसेंटेज चेंज आपको गिवन है और इसके अंदर परसेंटेज चेंज आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को देखो आप, बी की जगह क्या आया, एल आया, और ए की जगह क्या आया, के ई आ गया. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टू स्क्वायर माइनस एल वन स्क्वायर बाई एल वन स्क्वायर इंटू 100 आप कर देंगे, इज इक्वल टू एल टू क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, यस स्क्वायर माइनस 100 बी एल वन हो जाएगा बाई 100 का स्क्वायर इंटू कर देंगे 100, एक 100 से एक 100 कैंसिल हो जाएगा. अब देखो
यहाँ पे इसको 11 इंटू 10 रखेंगे, इसको 10 इंटू 10 रखेंगे, 10 स्क्वायर बाहर लेंगे तो 10 स्क्वायर ये अंदर क्या हो जाएगा, 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, बाय 100, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 121 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा 21, तो ये 21% इंक्रीज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये था क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इस पे रूल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन थीटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज द स्फीयर रीच बॉटम। देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर ये सॉलिड स्फीयर रोलिंग करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो है रोलिंग ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है बेटा, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। देखो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, बार बार हम इसको यूज कर रहे हैं रोटेशनल मोशन के अंदर और रोलिंग मोशन के अंदर इसका यूज बहुत होता है, तो इसके वैल्यू याद करने के लिए कुछ सिंपल आसान सा तरीका आपको मैंने बताया है, एम आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन के अंदर आगे जो भी होता है वो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप कंसिडर करेंगे, लेकिन आई कौन सा लेना है, आई सी एम, आई सी एम के अंदर एम आर स्क्वायर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5 होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, हाँ तो ये 7/5 ऊपर आ जाएगा 5/7 जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 5/7 अपना कौन सा आंसर, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे अपन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 31, फोर पार्टिकल ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ एल, ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसके कॉर्नर पे चार पार्टिकल अपन ने एम मास के रखे हुए हैं, एम मास, ठीक है, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, देखो ये इसका सेंटर है और ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो ये जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा कुछ एक्सिस है, तो देखो इसका ये जो डायमीटर होता है, साइड कितनी है इसकी, एल है स्क्वायर की, तो डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, रूट टू इंटू एल होता है, और ये सेंटर जो होगा वो डायमीटर का सेंटर होगा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो हाफ होगी, तो रूट टू एल बाई टू, मतलब एल बाई रूट टू हो गया, ठीक है, तो इसके अबाउट आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, I is equal to m into l by root 2, ये perpendicular distance का square आ गया, ये एक ही point mass का moment of inertia, चारों के लिए क्या है similar condition है, इसका मतलब 4 से simple multiply कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, I is equal to 4 m l square by 2, ये 2 से 2 cancel हो गया, क्या हो गया 2 m l square आ गया, ये I की value आ गई। अब देखो अपने को रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करना है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को हम किसके इक्वल पुट करते हैं, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू के स्क्वायर, ये क्या आया, आई जो है वो 2m l स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 4 इनटू m इनटू के स्क्वायर, m से m को कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा यहां पे 2, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया l स्क्वायर बाय 2, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l बाय रूट 2 आंसर आएगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इस सॉलिड स्फीयर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ द सेम मास एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, देन सॉलिड स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, ये अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे, देखो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है,
जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होगी उसके लिए टाइम की वैल्यू भी क्या आएगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे जो कम होती है वो किसके लिए होती है, सॉलिड स्फीयर के लिए होती है। सॉलिड स्फीयर के लिए होती है, ठीक है, मिनिमम होती है। इसके लिए क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी वो 0.4 होती है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो रिंग और होलो सिलेंडर के लिए होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग t की वैल्यू सबसे मिनिमम किसके लिए होगी, जिसके लिए k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम जो है वो किसके लिए आई बेटा, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, बाकी डिस्क जो है उसके लिए k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी वो 1/2 रहेगी, 0.5 जो कि इससे बड़ा है। और सॉलिड सिलेंडर इन दोनों के लिए k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर रीच बॉटम फर्स्ट, रीच बॉटम लेट, डिस्क विल रीच द बॉटम फर्स्ट, नहीं गलत है, ऑल ऑफ देम रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, ये भी क्या है, गलत है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, ये होता अगर मान लो कि डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, तो ये दोनों क्या पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है ना, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर विद ए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी। इसके सेंट्रोक मास की वेलोसिटी क्या है, ऐसे v वेलोसिटी है। ठीक है, इफ द स्फीयर क्लाइम्ब अप टू हाइट h, देन वैल्यू ऑफ v शुड बी, देखो इसके ऊपर फ्रिक्शन क्या है, एब्सेंट है, फ्रिक्शन f क्या है, जीरो है। फ्रिक्शन f जीरो है, इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क जो है वो क्या है, जीरो है, इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं बन रहा है। कैसे बन नहीं बन रहा है, इसके ऊपर देखो mg ऐसे लग रहा है मान लो, और n ऐसे लग रहा है, दोनों इसके रोटेशन एक्सिस से पासिंग है, इसका मतलब इस सेंटर के अबाउट इन दोनों का टॉर्क क्या है, जीरो है। टॉर्क जीरो है, इसका मतलब इसका अल्फा भी जीरो होगा, ना तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना ही एंगुलर रिटार्डेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या रहेगा, ओमेगा क्या रहेगा, इस पोजीशन पे, और ये पीक पोजीशन जो है एच पोजीशन पे, यहां पर ओमेगा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब के ई रोटेशनल जो है वो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा। जब यहां पे ये रोलिंग कर रहा है तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक तो के ई ट्रांसलेशनल और प्लस एक के ई रोटेशनल। ठीक है, जब यहां पर आ गया तो इस कंडीशन में इसकी के ई ट्रांसलेशनल जो है वो तो क्या हो गई बेटा, जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट तक आके यहां पे इसकी रोटेशन जो है वो तो जीरो नहीं हुई है, ओमेगा तो सेम है, तो के ई रोटेशनल जो है वो तो नॉन जीरो है, लेकिन ये जीरो हुई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटली लॉस हो गई, और वो किसमें गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है ना, तो के ई ट्रांसलेशनल वो किसके इक्वल करेंगे आप लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh, तो m से m गया, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh। तो मिनिमम वेलोसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, √2gh होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए, ताकि ये इस h हाइट तक यहां पर ये पहुंच सके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा, सेकंड आंसर रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करते हैं, आपने कुछ बच्चों ने यहां पे मिस्टेक करी होगी डेफिनेटली। तो बेटा यहां पर जो है वो फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है, इसका मतलब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, केवल और केवल इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड आंसर कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 34। ए सॉलिड स्फीयर रोल डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन ऑफ सेम हाइट बट डिफरेंट इंक्लाइनेशन इन बोथ केसेस। देखो एक का
इंक्लाइनेशन जो है, हाइट तो एच ही है लेकिन इसका इंक्लाइनेशन थीटा वन है, और दूसरे केस में इंक्लाइनेशन इज डिफरेंट विच इज थीटा टू। हाइट दोनों के लिए क्या है, एच है। तो ये सोलिड स्फीयर इसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा, रोलिंग कर रहा है। तो बॉटम पे यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, वो सपोज दैट v है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2gh अपॉन में 1 प्लस k स्क्वायर / r स्क्वायर। ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो ये फॉर्मूला v जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे। तो h दोनों में क्या है, सेम है, इसका मतलब स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन टाइम का जो फॉर्मूला है, यहां तक बॉटम तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, आपने देखा होगा 2s अपॉन में g sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर / r स्क्वायर आता है, k स्क्वायर / r स्क्वायर। यहां पर देखो इसका इंक्लाइनेशन थीटा जो है उस पर टाइम डिपेंड कर रहा है, तो टाइम दोनों केसेस के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टाइम टू डिसेंट विल बी डिफरेंट एंड स्पीड विल बी सेम। तो अपना आंसर, नीचे की ओर चलने पर वेग समान होंगे लेकिन समय भिन्न भिन्न होंगे, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है ये व्हील, तो इसको इस इंस्टेंटेनियस रोटेशन एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कंसीडर कर सकते हैं, किससे, सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। बात समझ में आई? तो देखो इसके इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट क्या है मान लो ओ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू भी यही रहेगा, ओमेगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम ओ, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ। तो देखो यहां से ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है और ये डिस्टेंस उससे कम है और ये डिस्टेंस सबसे कम है, तो देखो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओमेगा तो क्या रहेगा, सब पॉइंट के लिए सेम रहेगा। इसका मतलब वी क्यू सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में वी सी होगा और सबसे छोटा क्या होगा, वी पी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो रहा है बेटा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36, वन क्वार्टर सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, दिस सेक्टर हैज मास एम, इट इज मेड टू रोटेट अबाउट एन लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। देखो इसका मास कैपिटल एम है, कंप्लीट डिस्क का मास एम नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, देखो इस एक्सिस के अबाउट जो आई होगा वो क्या रखेंगे आप लोग, डिस्क कंप्लीट डिस्क थी, ये कंप्लीट डिस्क थी, इस कंप्लीट डिस्क का क्या था, 1/2 m r² यही था। अब इस फॉर्मूले में क्या, फॉर्मूले के अंदर यहां पे ये m जो है वो रिमेनिंग पार्ट का अगर आप रिप्लेस कर देते हैं सिंपली आप, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, ये m जो है वो इस पार्ट का ही दे रखा है, तो ये m हो जाएगा इनटू r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये m by 4 रखते हैं, m by 4 तो तब लेते हैं जब पूरी डिस्क का मास m आपको गिवन होता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ए रिजिड मासलेस रोड, ये रोड है वो मासलेस है, ठीक है। लेंथ 3L, इसकी 3L लेंथ है, ठीक है।
two mass attached at both end as shown in figure. यहाँ पे 5 m note mass attached कर दिया, यहाँ पे 2 m note mass attached किया. ये कोई point P है, यहाँ से length जो है L है, यहाँ से length क्या है 2L है, ठीक है. The rod is pivoted at point P on a horizontal axis. When released from initial horizontal position, its instantaneous angular acceleration. ठीक है, चलो. तो देखो इसका वेट डाउनवर्ड्स क्या रहेगा, 5 इंटू एम नॉट जी रहेगा, और इसका ऐसे 2 इंटू एम नॉट जी रहेगा, और यहां पे कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन एन मान लो. तो मैं क्या करता हूं, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी देखता हूं, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट पी. तो टॉ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा. तो पहले एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 5 एम नॉट जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एल. ठीक है, 5 एम नॉट जी ये फोर्स हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई पी पॉइंट से एल, और ये जो है वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे, 2 एम नॉट जी ये फोर्स हो गया इंटू इसकी 2L डिस्टेंस होगी. तो 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4. तो ये 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा m नॉट g इंटू l हो जाएगा. ये tau नेट आ गया. ये टॉर्क कैसे बन रहा है, पॉजिटिव आया इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कुछ ऐसा इस डायरेक्शन में अल्फा रहेगा, तो tau इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं अपन, I into alpha रख सकते हैं ना. तो tau कितना है m not g into l is equal to I, क्या हो जाएगा इस axis के about 5 m not into l square plus 2 m not, ठीक है, into इसकी distance कितनी है 2 l square, ये I हो गया, ठीक है, into क्या कर देंगे alpha कर देंगे. तो ये m not g into l is equal to ये कितना हो जाएगा 4 into 2 8 प्लस 5 कितना हो गया 13 एम नॉट एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा अल्फा. एम नॉट से एम नॉट को कैंसिल कर देंगे, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू जी वाई 13 एल अपना आंसर आ जाएगा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ गया जी वाई 13 एल अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं. ए सोलिड स्फीयर एंड सोलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियस एंड अप्रोच एन इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी भी क्या है सेम है, एज शोन इन फिगर, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग मोशन है, ऑल्सो द टू क्लेम मैक्सिमम हाइट एच स्फीयर एंड एच सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन, द रेशियो ऑफ ए हाइट अटेंड बाई स्पेयर एंड ए सिलेंडर अपने को देखना है. ठीक है, देखो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, प्योर रोलिंग इसके ऊपर ये कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन एब्सेंट है. ठीक है, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी. ठीक है, तो देखो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो 1 by 2 mv square 1 plus k square by r square is equal to क्या हो गया बेटा mgh हो गया. ठीक है, m से m को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो h is equal to क्या हो जाएगा v square 1 plus k square by r square by क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉडी इज h. ठीक है, यहां पे देखो v दोनों के लिए क्या है सेम है, g कांस्टेंट है, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 plus k square by r square हो जाएगा. ठीक है, तो h स्फीयर अपॉन में h सिलेंडर, यही तो रेशियो देखना है अपने को. देखो स्फीयर sph और ये सिलेंडर. ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेटा 1 plus स्फीयर के लिए कितना होता है 2 by 5 डिवाइड बाई 1 plus सिलेंडर के लिए कितना होता है
वन बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, सेवन बाई फाइव डिवाइड बाई थ्री बाई टू, तो ये सेवन बाई फाइव इंटू टू बाई थ्री, ये कितना हो जाएगा, फोर्टीन बाई फिफ्टीन आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, 2t की पावर 3 माइनस 60 स्क्वायर, ये है। द टॉर्क ऑन व्हील बिकम जीरो, देखो टॉर्क जीरो कब होगा, टॉ इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अगर टॉर्क जीरो है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो हमारे पास अल्फा जीरो कब होगा, ये इस रिलेशन से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू टू 60 स्क्वायर माइनस 12 ए टी, ये तो ओमेगा आ गया। अब हम इसका दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा आएगा विच इज डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 6 कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर का, 2 टी हो जाएगा, तो 12 ए टी माइनस 12 आया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो मतलब 12 ए टी माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो 12 ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकंड आ जाएगी। 1 सेकंड पे अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है, डेफिनेटली टॉर्क जीरो होगा, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 अपन देखते हैं। एज ए पार्ट ऑफ मेंटेनेंस इंस्पेक्शन द कंप्रेशन ऑफ ए कंप्रेसर ऑफ ए जेट इंजन इज मेड टू स्पिन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शोन इन फिगर, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय कंप्रेसर ड्यूरिंग द टेस्ट। अपने को टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है, किसके अंदर, रिवोल्यूशन के अंदर। तो देखो आपको ग्राफ किसके अंदर दे रखा है, ये इधर क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड ओमेगा दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है इन ए मिनट। ठीक है, और ये किस में दे रखा है, थीटा जो है वो रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये जो एरिया होगा, ये एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ओमेगा और थीटा, सॉरी ओमेगा और टी के बीच में जो ग्राफ होता है, ये एरिया अंडर जो कर्व होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एरिया कैलकुलेट कर लें सिंपली, तो इसका एरिया देखो, ये एक ट्राइंगल है, तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/3000 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 4 है, ये 3.5 ले लो आप, 3.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2.5 × कितना हो जाएगा, 3000 प्लस, आगे अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1.5, ये 1.5 × 3000 × क्या कर देंगे, 1/2, देखो ये 1.5 है, इसको 3/2 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1500 और ये 1500 जो है 2 से कैंसिल होगा तो 750 आ जाएगा। ठीक है, और ये एक पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें तो थीटा जो है वो टोटल एरिया के इक्वल कर रहे हैं अपन, वो क्या हो जाएगा, 1500 और ये कितना हो गया, 7500 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2250। तो इसको ऐड करेंगे अगर अपन तो ये 1000 नहीं है, ये कितना है, 1500 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9000 × 11250। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं अपन। देखो, इफ ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो परसेंटेज चेंज वाला वही कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है सिमिलर। तो देखो इफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर एन होता है और परसेंटेज चेंज क्या 100 है, तो लार्ज परसेंटेज चेंज है, इसका मतलब हम एरर वाला कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन
इन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टू की पावर एन माइनस बी वन की पावर एन बाई बी वन की पावर एन इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे अपने को परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में देखना है, तो देखो पहले तो अपन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन देखते हैं। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई टू एम होता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, पी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो परसेंटेज चेंज इन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी टू स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर इंटू पी वन स्क्वायर इंटू 100 आप करेंगे। तो देखो पी वन को क्या कंसिडर करेंगे, 100, और पी टू क्या हो जाएगा, 100 में 100 और एड कर देना है क्योंकि 100 इंक्रीज कर रहे हैं ना परसेंट। तो क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको 2 इंटू 100 रखेंगे तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ये 100 स्क्वायर ऑफ कॉमन ले लो, 100 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 भाई, क्या कर देंगे 100, एक 100 से एक 100 कैंसिल कर दो, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300%, और प्लस आया मतलब इंक्रीज होता है, अगर माइनस आता बाई चांस तो हम डिक्रीज बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस आया 300% इंक्रीज हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं, ए बॉम्ब ऑफ मास 9 केजी इनिशियली इज इन रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीस ऑफ मास 3 केजी एंड 6 केजी, वेलोसिटी ऑफ मास 3 केजी इज 1.6। देखो यहाँ पर ये क्या था, एक 9 केजी का मास था, इसका ये क्या है रेस्ट में है, रेस्ट में है इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या होगा 3 kg, 3 kg की जो स्पीड है वो कितनी है 1.6, ये v1 वेक्टर हो गया, और प्लस ये जो है 6 kg इसकी स्पीड जो है वो v2 वेक्टर है, वो अपने को नहीं पता अभी। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्वेशन अपन देखें तो p इनिशियल तो क्या है, जीरो है, और ये p फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा 3 × 1.6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6 × v2 वेक्टर, ठीक है कि नहीं है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहां पर देखा जाए तो ये इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1.6 प्लस 6 × v2 वेक्टर, ठीक है। तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 × 1.6 बाई क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये माइनस जो है वो तो किसको बता रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे 3 से कैंसिल, तो v2 का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। देखो इससे 2 से ये 1.6 कैंसिल होगा तो 0.8 आएगा, ये v2 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो है के टू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू मास कितना है इसका 6 × 0.8 × 0.8, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 0.64, तो ये कितना हो जाएगा 1.92 जूल अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक टू वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी विच इज सस्पेंडेड बाई ए लाइट इन inextensible string of a length 5 meter, as result the center of gravity of block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter, the speed of bullet after it emerges out. तो देखो यहाँ पे कुछ ये एक string है, ये wooden block है, इसका mass है capital M which is equal to 2 kg, ये 2 kg given है ना, yes, और ये एक कोई बुलेट है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और इसका मास कितना है बेटा 10 ग्राम। इनके बीच में कोलिजन, ये इनिशियली क्या है रेस्ट में है, इनके बीच में कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद में ये जो है इसको तो वेलोसिटी मिल गई v2, जिसकी वजह से
ये यहां से कितना ऐसे ऊपर उठेगा और कितना एच हाइट तक उठता है, ठीक है। तो V2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट टू जी एच नहीं लिख सकते क्या? ये एच हाइट तक उठ रहा है, इसका मतलब V2 इज इक्वल टू रूट टू जी एच हो जाएगा, ठीक है। और ये बुलेट जो है वो इससे इमर्ज होने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वी वन होती है, मान लो ये वी वन है। तो देखो सबसे पहले तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो P इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा सिस्टम का। तो इनिशियली इसका मास 10/1000 इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 400 प्लस ये रेस्ट में है तो जीरो हो गया। फाइनली ये क्या हो गया बेटा, 10/1000 मास हो गया इनटू इसकी वेलोसिटी है v1 प्लस इसकी वेलोसिटी m2 मास 2 kg इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा v2 v2 इज रूट ए 2gh, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तीन जीरो से ये तीन जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 इज इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, v1 बाई 100 हो गया ये, और ये प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा v1/100 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, 1.4 का मतलब 2.8, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा v1/100, तो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा 120 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे अपन चलते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m कोलाइड अगेंस्ट ए वॉल विथ ए सेम वेलोसिटी v एंड रिट्रेस इट्स पाथ विथ सेम स्पीड द चेंज इन मोमेंटम इज, देखो ये क्या है, एक वॉल है, ये बॉल i, इसका मास है m v वेलोसिटी से, और ये इसके साथ स्ट्राइक करती है और सेम स्पीड से v से ये क्या कर रही है, सेम पाथ पे वापस रिटर्न हो रही है, वापस लौट गई। तो p इनिशियल क्या हो जाएगा, अपन इधर की तरफ x x मान लो, इधर की तरफ y x मान लो, ठीक है। तो p इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो बेटा और इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लो, एक ही बात है। तो पहले p इनिशियल क्या था, m into v पॉजिटिव था, और p2 क्या हो जाएगा, माइनस mv हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम डेल p इज इक्वल टू क्या होता है, p2 माइनस p1 वेक्टर होता है। तो यहां पर देखो p2 कितना है, माइनस mv और फिर माइनस mv, माइनस माइनस 2 ऐड हो जाएगा माइनस 2 mv। तो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 2 mv, और माइनस किसको बता रहा है, इधर की तरफ डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। तो अपना आंसर फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर मास m2 एट रेस्ट, m2 मास जो है वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी लॉस अकर टू m1 व्हेन, ये m1 है, ये मान लो u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इनके बीच में कोलिजन हुई इलास्टिक इज इक्वल टू 1, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो देखो आपने देखा होगा कि जब आइडेंटिकल पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके जो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो एक्सचेंज हो जाएंगी, इसका मतलब ये एम1 जो है वो तो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, और ये m2 जो है वो किससे चलने लग जाएगा, u1 से चलने लग जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब m1 क्या है, m2 के इक्वल है, एक्सचेंज तो तभी होंगे ना जब दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इस कंडीशन में देखो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, लॉस हो गई है, 100% लॉस हो गया, क्योंकि ये रेस्ट में आ गया ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम लॉस कब अकर होगा, जब m1 इज इक्वल टू क्या हो, m2 हो। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg
an elastic collision with another body at rest continues to move in the original direction with 1/4 of its original speed, the mass of second body which collide with the first body is. देखो ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है, 2 kg है, ये u स्पीड से चल रहा है. अनदर बॉडी, ये m मास की एक दूसरी बॉडी है, ये क्या है, रेस्ट में है. इनके बीच में कोलिजन हुआ, इलास्टिक इज इक्वल टू क्या है, 1 है. तो ये u1 वेक्टर जो है वो तो u मान लो, और u2 जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया. और कोलिजन के बाद में ये जो है v1 से चलने लग गया 2 kg, और ये जो है वो v2 से चलने लग गया m mass. ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन की बात है. ये u1 जो है वो सेम डायरेक्शन में 1/4, मतलब आप क्या कहेंगे, u by 4 बोल देंगे. ठीक है बेटा, तो देखो p इनिशियल इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप, v फाइनल कर देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. कोलिजन एक मोमेंटम कंजर्वेशन का ही एग्जांपल है. तो यहां पर देखो 2 u is plus 0, इसका मोमेंटम 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 u by 4 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू वी टू हो जाएगा. ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 2 u हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u बाई 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m इंटू वी टू इज इक्वल टू 3 u बाई 2 आ जाएगा. ठीक है, अब देखो e इज इक्वल टू क्या होता है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होता है. e की वैल्यू 1 है, ये क्या हो जाएगा बेटा, v2 माइनस v1, v1 क्या है, u by 4, u by 4 by u1 कितना है, u माइनस ये 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 5 u by 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, v2 हो गया. ठीक है, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m into 5 u by 4 इज इक्वल टू 3 u by 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचा, u से u गया, ये 2 इधर आके 6 by 5 आ जाएगा. ये 6 by 5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1.2 kg, कितना आ जाएगा, 1.2 kg. तो अपना आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं. ए पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h अपॉन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रीबाउंड if is the coefficient of restitution the total distance traveled before rebounding has stopped is. देखो ये के fixed ground अपन surface, अपन plane surface मान रहे हैं. यहां से अपन ने एक m mass की एक ball समझो, particle समझो आप, इसको आपने release किया, ये यहां पे first collision करेगा, उससे पहले इसका velocity था क्या, u1. ठीक है, और आपने इसको किस हाइट से गिराया, h हाइट से गिराया, और यहां पे ये कोलिजन करके रीबाउंड हो रहा है किससे, v1 वेलोसिटी से, और ये v1 वेलोसिटी से जब ऊपर गया तो ये h1 हाइट तक गया, और यहां से वापस ये आएगा तो ये v1 वेलोसिटी से ही आएगा, जिससे जाएगा उसी से आएगा, और ये यहां पे सेकंड कोलिजन करेगा. सेकंड कोलिजन करने के बाद में ये फिर ऊपर h2 हाइट तक जाएगा, यहां पे वेलोसिटी हो गई v2. ठीक है, तो देखो ऐसे ही ये यहां पे थर्ड कोलिजन करेगा, और इसकी एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन ऐसे चलती रहेंगे. ठीक है, तो देखो h हाइट ये गिरा, उसके बाद में h नोट हाइट तक, सॉरी h1 हाइट तक ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस h1 आएगा, फिर ये h2 जाएगा, फिर ये h2 वापस आएगा. तो फर्स्ट कोलिजन के बाद में ये कितनी हाइट तक जा रहा है, h1 हाइट तक जा रहा है, ये h1 हाइट कितनी होगी, इसको अपने को देखना है. तो इसके लिए आपको देखना है, देखो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2gh.
ठीक है कि नहीं है। सिमिलरली अगर अपन बात करें वी वन जो होगा वो ई इंटू यू वन नहीं होगा क्या, ई इंटू यू वन, ई टाइम्स हो जाता है वेलोसिटी जैसे ही इस ग्राउंड के साथ ये कोलिजन करेगा। तो v1 को आप क्या रखेंगे, देखो h1 हाइट तक जा रहा है तो रूट ए टू जी एच वन इज इक्वल टू ई इंटू रूट ऑफ टू जी एच, तो यहाँ पे रूट को कैंसिल कर दो स्क्वायर करने से, तो ये और 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, h1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर अपन nth कोलिजन के बाद में hn हाइट तक जा रहा है तो hn को क्या लिखेंगे, e स्क्वायर इंटू टू इंटू एन इंटू एच नोट रखेंगे, या फिर सिंपल h रख बोल सकते हैं आप इसको, h कौन सी है, ये हाइट है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट कोलिजन से पहले h डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसके बाद में एच वन गया और एच वन वापस आया तो टू एच वन, प्लस फिर H2 गया H2 वापस आया 2H2 प्लस 2H3 डेस डेस डेस, अपन इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन करेंगे तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H प्लस H2 इनटू H1 को क्या रखेंगे E स्क्वायर इनटू H प्लस यहां पे 2 इनटू E की पावर N की वैल्यू क्या होगी 2 4 इनटू H प्लस 2 into e की पावर 3 into 2 6 into h plus this this, ठीक है। अब आप क्या करोगे h plus यहां पर आप क्या करो 2 e square h common ले लो, तो यहां पे क्या बचा 1 plus e square plus e की पावर 4 plus e की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा plus this this, infinite terms है, ठीक है, ये infinite collision हो रही है ना। अब देखो आगे अपन देखते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस टू e स्क्वायर इंटू h, ये क्या हो गया एक gp हो गया, gp के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है a अपॉन में वन माइनस r, a क्या है फर्स्ट टर्म इज वन अपॉन में वन माइनस r की वैल्यू क्या होती है सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो आप, तो ई स्क्वायर बाई वन कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहां पर देखो अब एच तो बाहर कॉमन ले लिया और ये वन माइनस ई स्क्वायर आप क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो वन माइनस ई स्क्वायर यहां पे वन बचा उससे मल्टीप्लाई होगा तो वन माइनस ई स्क्वायर और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा टू ई स्क्वायर, एच आ गया बाहर तो ये देखो टू ई स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो वन प्लस e square divided by 1 minus e square और into क्या हो गया h हो गया, ये total distance आएगी। तो इसके according अपना answer कौन सा correct हो रहा है बेटा, अपना 1 minus plus e square 1 minus e square अपना first answer correct हो जाएगा 1 plus e square upon में 1 minus e square into h, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ए पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड इनिशियल वेलोसिटी v कोलाइड्स विद ए पार्टिकल b ऑफ मास m बाय 2 व्हिच इज एट रेस्ट, द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा a टू लैम्डा b आफ्टर द कोलिजन। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर ये पार्टिकल a है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है v, दूसरा पार्टिकल मास m by 2 और ये रेस्ट में है, ठीक है, इनके बीच में कोलिजन जो है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुई, इट्स मीन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर अपन बात करें तो e की वैल्यू 1 रहेगी, तो देखो ये m मास है ये v 1 वेलोसिटी से कोलिजन के बाद में चलता है और ये m by 2 b जो पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी से चलता है v 2 वेलोसिटी से चलता है, कोलिजन है इसका मतलब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, तो m into v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m into v1 plus m by 2 into v2, m कॉमन लेते हैं और इस m से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो v2 by 2 plus v1 इज इक्वल टू क्या आ गया v आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, ठीक है। Now, according to
definition of restitution coefficient is equal to v2 vector minus v1 vector by u1 vector minus u2 vector. देखो e की value 1 होती है, तो 1 is equal to v2 minus v1 by u1 कितना है v और minus u2 क्या है 0. Collision से पहले जो है second particle की velocity क्या थी 0 थी. तो v2 minus v1 is equal to क्या हो गया v हो गया. इसको equation number 2 पुट करते हैं. देखो 1 और 2 को अपन ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं. तो देखो v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, v2 प्लस v2 by 2 कितना हो जाएगा 3, v2 by 2 इज इक्वल टू v प्लस v कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4v by 3 आ जाएगा. देखो v2 की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 4v by 3 minus v1 is equal to v, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये v by 3 हो जाएगा और ये v1 की वैल्यू आ गई. देखो v1 और v2 वेलोसिटी हमारे पास आ गई, इनके मास अपने को पता है. तो देखो डी ब्रोगली अगर वेवलेंथ की बात करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है h/m × v और यू कैन से h/p मोमेंटम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्बडा जो है a/λb का जो रेशियो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन में मास ऑफ ए इनटू वेलोसिटी ऑफ ए, व्हिच इज इक्वल टू, देखो मास ऑफ बी क्या है m/2 और ये वेलोसिटी है 4v/3 और ये क्या है m और ये क्या है v/3. m से m कैंसिल कर दो और ये v/3 से v/3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा 2, तो λa/λb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1 आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर अपन चेक करते हैं कौन सा है, 2/1 अपना आंसर है, λa/λb का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है. The moment of inertia of pulley system as shown in figure is 4 kg into meter square. The radii of a bigger and smaller pulley is 2 meter and 1 meter respectively. The acceleration of angular acceleration of the pulley system is. Angular acceleration अपने को पता करना है और g की value 10 अपने को given है. ठीक है, तो इस diagram को देखो मैं यहाँ पे एक बार बना लेता हूँ. ये इनर जो रेडियस है पुली की वो क्या है 1 है और ये आउटर जो रेडियस है वो कितना है बेटा 2m है. ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना है 5 kg है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो लगाया है वो कितना है 4 kg है. ठीक है, अब देखो अपने को इसका एंगुलर एक्सेलरेशन देखना है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखना है तो इसका आई जो है वो तो गिवन है आपको, कितना है 4 kg into meter square given है. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन. Suppose that इसमें tension जो है वो है T2, तो यहाँ पे T2 की direction कुछ ऐसी हो जाएगी और इस जो thread के अंदर या cord के अंदर tension की बात करें तो वो है मान लो T1, यहाँ पे T1 की direction ये होगी. देखो ये जो tension है इसके अंदर clockwise torque produce कर रहा है और यहाँ पे ये T1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है. दोनों का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपन एक बार नेट टॉर्क देखेंगे और वो नेट टॉर्क जो है वो ही क्या करेगा इसके अंदर नेट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की बात करें तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा. तो इनके एबीडी अगर अपन देखें तो 4 है इसका एबीडी, देखो आप इसके ऊपर ऐसे T2 लग रहा है और ये डाउनवर्ड्स 4g इसके ऊपर वेट फोर्स लग रहा है. ठीक है, मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर कुछ ऐसा एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा. ठीक है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है अल्फा, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन है मान लो a2 और इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा a1. ठीक है, तो देखो a2 को हम क्या रख सकते हैं यहां पे, इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वही इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन होगा. तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन a2 है तो अल्फा और a2 में क्या रिलेशन अपन बता सकते हैं, a2 इज इक्वल टू अल्फा इनटू r, तो r क्या रहेगा रेडियस 1 रहेगा तो अल्फा के इक्वली हो जाएगा. ठीक है,
और A1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो अल्फा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन A1 जो होगा वो इसके लीनियर एक्सेलरेशन के सेम रहेगा, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू रेडियस कितना है 2, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, A2 इज इक्वल टू अल्फा है, ठीक है। तो एफ नेट नेट फोर्स जो होगा वो अपवर्ड होगा, वो क्या हो जाएगा T2 - 4G, इसको क्या रखेंगे मास इज 4 इनटू अल्फा इज इक्वल टू T2 - 4G, ये इधर आके T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4G प्लस 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम एबीडी ड्रॉ करते हैं किसकी, 5 की, तो 5 के ऊपर ऐसे T1 लग रहा है, नीचे 5G लग रहा है, और ये डाउनवर्ड्स A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, किससे, A1 से, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड्स रहेगा, एफ नेट डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगा 5G - T1 हो जाएगा, नेट फोर्स को क्या रखेंगे मास 5 इनटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5G - T1, T1 इधर आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5G - 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो है वो T1 इंटू 2 माइनस T2 इंटू इसका डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, तो T1 कितना है, T1 है 5G - 10 अल्फा इंटू 2 माइनस T2 कितना है 4G + 4 अल्फा इंटू 1। स्टोनेट को क्या रख सकते हैं, I इंटू अल्फा, I की वैल्यू क्या है 4 दे रखी है, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 10G - 20 अल्फा माइनस 4G - 4 अल्फा, ठीक है। देखो ये माइनस 4 अल्फा और माइनस 20 अल्फा, 24 अल्फा हो गया, 24 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6G हो जाएगा, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6G, तो ये क्या आ जाएगा 28 अल्फा इज इक्वल टू 6 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट करते हैं 60, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2, 8, तो अल्फा की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू जो है वो लगभग 2.1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, तो 2.1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसके अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, तो अपना आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 अपन देखते हैं। देखो ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v हिट अनदर बॉडी ऑफ सेम मास मूविंग विद सेम वेलोसिटी v बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये m मास की एक बॉडी है और ये v स्पीड से ऐसे जा रही है, और दूसरा बॉडी जो है वो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। स्टिक टू इट, कोलिजन हुई और ये दोनों एक साथ क्या हो गए, स्टिक हो गए, टोटल मास 2m हो गया। द वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, इनके बीच में कोलिजन हुआ, तो देखो p इनिशियल बराबर आप क्या रखेंगे, p फाइनल रखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो देखो इधर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, इधर वाली डायरेक्शन को आप क्या ले लेते हैं नेगेटिव, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m into v पॉजिटिव और इसका m into v नेगेटिव इज इक्वल टू m 2m into v फाइनल वेक्टर मान लो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो ये mv से कैंसिल हो जाएगा 0, तो 2mv फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया 0, इसका मतलब v फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो कंपोजिट जो बॉडी है इन दोनों को स्टिक होने के बाद में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी 0 रहेगी, क्योंकि नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या था 0 था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। टू पुट्टी बॉल्स ऑफ इक्वल मास मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन इफ बॉल वर इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी 50/2 m/s ईच द वेलोसिटी ऑफ देयर कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन। देखो ये क्या है, एक बॉडी है, ये कैसे चल रही थी कुछ ऐसे, ये v इज इक्वल टू 40
5√2 से चल रही है और इक्वल मास, ये मास m है। और दूसरी जो बॉडी है वो कुछ ऐसे आ रही थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना ये, तो ये भी 45√2 से आ रही थी। इन दोनों के बीच में कोलिजन हुई, और कोलिजन कौन सी हुई, स्टिक टुगेदर, प्योर इनइलास्टिक हो गई, दोनों एक साथ मूव करेंगे, इसका मतलब E is equal to zero हो गया। तो ये 2m मास हो गया और इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v फाइनल वेक्टर, ये अपने को कैलकुलेट करना है। चलो तो देखो p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, v फाइनल वेक्टर, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। इधर की तरफ अपन xx कंसीडर करते हैं, इधर की तरफ आप yx कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो p इनिशियल अगर अपन बात करें तो p इनिशियल क्या हो जाएगा, p इनिशियल हो जाएगा m इंटू v की वैल्यू कितनी है 45√2 इंटू आई के प्लस m इंटू 45√2 जे के इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया 2m इंटू v फाइनल वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर देखो m अपन कॉमन लेके क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 45√2 आई के प्लस 45√2 जे के इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू वी फाइनल वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 को इधर ले आओ आप, तो v फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 बाहर ले लो आप, तो ये √2/2 आई केफ हो गया प्लस √2/2 जे केफ हो गया। तो 45 ये क्या हो जाएगा 1/√2 आई केफ प्लस 1/√2 जे केफ। इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो 45 तो है ही, इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, 1 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो v फाइनल अपने पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो कितना आ जाएगा 45 जो है वो कौन सा आंसर है, 45 सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 52 अपन देखते हैं, टू बॉल पार्टिकल ऑफ इक्वल मास स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट ए इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑर्बिट, देयर टेंजेंटियल वेलोसिटी आर वी एंड 2v रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, बिटवीन कोलिजन द पार्टिकल मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, स्पीड क्या रहती है बेटा कॉन्स्टेंट रहती है, आफ्टर मेकिंग हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन अदर देन दैट ए के अलावा की बात कर रहे हैं अपन, दिस टू पार्टिकल विल अगेन रीच एट पॉइंट ए, कितनी प्रत्यास्थ टक्करों के बाद, बिंदु ए पर हुए टक्कर के अलग अतिरिक्त अपने को देखना है, इसके बाद की कोलिजन्स को काउंट करना है। तो देखो यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ये एक कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट ए पर ये एक पार्टिकल तो इधर की तरफ 2v वेलोसिटी से चला और दूसरा पार्टिकल ये v वेलोसिटी से चला, ठीक है। और इनकी जो स्पीड रहेगी वो सर्कुलर पाथ पे क्या रहेगी बेटा, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का रहेगा वो सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन बोल रहा है, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन और बात कर रहा है टू स्मॉल पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, कोलिजन के बाद में जो वेलोसिटी होंगी वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज कर लेते हैं वो, ठीक है। पहले की जो थी वो दूसरे की हो जाएगी, दूसरे की पहले वाली हो जाती है, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस 2πr है, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी जब ये वापस से एक दूसरे को मिलेंगे, तो 2πr डिस्टेंस 3v से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो कितने टाइम बाद में मिलेंगे, ये फर्स्ट कोलिजन होगी t इज इक्वल टू 2πr अपॉन में 3v, ठीक है कि नहीं है, इतने टाइम बाद में मिलेंगे, तो इतने टाइम में
ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये वाला पार्टिकल, ये वन है, ये क्या है, टू है, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई आर अपॉन में थ्री वी इन टू वी, तो वी से वी कैंसिल, तो सर्कमफ्रेंस का वन थर्ड पार्ट जो है वो कुछ यहां पर आ जाएगा। इसने ये डिस्टेंस एस वन ट्रेवल करी और ये जो है वो एस टू जो है वो कितनी हो जाएगी, ये टू वी वेलोसिटी से चल रहा है तो फोर पाई आर अपॉन में थ्री ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो टू इंटू टू पाई आर बाई थ्री हो जाएगी एस टू। ये फर्स्ट कोलिजन यहां पे हुई। फर्स्ट कोलिजन के बाद में जो ये दो नंबर का पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो एक नंबर पार्टिकल की थी वो ये इधर की तरफ v से जाएगा और ये एक नंबर का जो पार्टिकल है इसकी कोलिजन के बाद में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 2v हो जाएगी। एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, तो एक्सचेंज कर लेंगे। अब ये फिर से ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस टू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना ये, तो ये कुछ यहां पर आके मिलेंगे। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा यहां से यहां तक, फोर पाई आर बाई थ्री ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा और ये इधर वाली ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कितनी रहेगी, टू पाई आर बाई थ्री, टू पाई आर बाई थ्री हो जाएगा, तो टू पाई आर बाई थ्री है ना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये सेकंड कोलिजन हो गई, ठीक है। अब इधर से कौन आ रहा था, एक नंबर पार्टिकल आ रहा था ना, तो ये एक नंबर पार्टिकल जो है वो इधर किस वेलोसिटी से आया था, 2v से आया था और ये दो नंबर पार्टिकल इधर की तरफ ऐसे v से आया था, तो ये दो नंबर है, ये एक नंबर है, ये कोलिजन के बाद में इधर की तरफ किससे जाएगा, 2v से, क्योंकि इसके पास 2v थी इसको मिलेगा, ठीक है, और ये एक नंबर जो है इधर की तरफ किससे जाएगा, v से जाएगा, ठीक है, तो ये v से जाएगा, इसका मतलब ये कहां, टू पाई आर बाई थ्री, मतलब यहां पर आएगा, इसको हमने वन थर्ड, ये 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, 2 पाई आर का वन थर्ड अपन ने डिवाइड कर दिया, मतलब 120 डिग्री, तो ये 2 इंटू 2 पाई आर बाई 3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये 2 पाई आर बाई 3, तो A पॉइंट पे आ गए ना, तो एक कोलिजन हुई, दूसरी कोलिजन हुई, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितना हो गया, 2 कोलिजन। थर्ड कोलिजन पे तो A पॉइंट पे होगा, तो A पे पहुंचने से पहले कितनी कोलिजन करेगा, 2 कोलिजन करेगा और A पे जो कोलिजन थी उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड सॉरी थर्ड आंसर हो जाएगा, दो जो है थर्ड आंसर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 अपन देखते हैं। ए यूनिफॉर्म केबल ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इट्स 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ सरफेस टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू सरफेस द वर्क डन शुड बी। देखो ये सरफेस है, ठीक है, ये केबल है एक, इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा, एल लेंथ है, ठीक है, इसका जो हैंगिंग जो लेंथ है वो कितना है, एल बाई एन है, हैंगिंग लेंथ कितनी है, एल बाई एन, तो मास पर यूनिट यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम मास टोटल अपॉन में लेंथ एल, ठीक है, तो देखो इस ये जो एल बाई एन पार्ट है यहां से यहां तक का, इसको पुल करने के लिए आपको क्या कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, इसकी छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी है बेटा, डी एल लेंथ है, सॉरी डी एक्स लेंथ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये यहां से एज से कितना डेप्थ पे है, एक्स डेप्थ पे है, ठीक है, और इसका मास कितना है मान लो डी एम मास है, तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी एम इज इक्वल टू यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल इंटू इसकी लेंथ कितनी है डी एक्स, ठीक है, तो देखो इसके ऊपर इस एलिमेंट के ऊपर डाउनवर्ड्स फोर्स कितना लगेगा डी एम इंटू जी, तो इतना ही फोर्स लगा के आपको इसको ऊपर पुल करना होगा धीरे धीरे, ठीक है, तो आपको फोर्स कितना लगाना होगा डी एम इंटू जी, ठीक है, तो इस
डीएम मास के एलिमेंट को पुल करने में वर्क कितना करना पड़ रहा है वो देखते हैं। तो वर्क डन टू पुल स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स तो हो गया डी एम इंटू जी इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फोर्स आपका फोर्स किधर रहेगा बेटा इसके ऊपर, आपका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वो कितना रहेगा डी एम इंटू जी रहेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो डी एम जी इंटू एक्स हो जाएगा। डी एम की वैल्यू ये रखो यहां से, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स, तो ये एम जी बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये डी डब्ल्यू आ गया। अपने को टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन के लिए एक्स की वैल्यू यहां वाले एलिमेंट के लिए जीरो हो जाएगी और यहां के लिए एल बाई एन हो जाएगी, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल बाई एन ऑफ एम जी बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो एम जी बाई एल ये तो कॉन्स्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और ये जीरो से एल बाई एन हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और ये टू जो था इसको अपन ने बाहर रखा और माइनस क्या हो जाएगा जीरो, माइनस क्या हो जाएगा जीरो, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे अपन चलते हैं। द शेप ऑफ कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2 एम वी स्क्वायर होता है ना। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 2 है, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा पैराबोलिक होगा, कैसा होगा पैराबोला। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कंसीडर ए रबर बॉल फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h इज इक्वल टू 4.9 मीटर ऑन टू ए हॉरिजॉन्टल इलास्टिक प्लेट, अज्यूम दैट द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल एंड द कोलिजन बिटवीन द कोलिजन विद द प्लेट इज टोटली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होगी, e इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सेम स्पीड से वो रीबाउंड हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन केवल अपोजिट होगी कोलिजन के बाद में और चेंज इन मैग्नीट्यूड विल बी 0। देन द वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखो यहां से इस बॉल को आपने रिलीज किया तो ये जैसे नीचे जाएगी तो ये अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी कम क्या होगी, यहां पे मान लो टी टाइम पे वेलोसिटी जो होगी वो जी टी के इक्वल नहीं होगी क्या, मतलब टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और ये दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप माइनस लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को आप लेंगे प्लस। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ कौन सा आ रहा है, पहले नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो देखो इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें पॉजिटिव में जा रहा है पहले और इसमें पॉजिटिव में जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर अब कोलिजन हुई टी टाइम पे, इसके बाद में उसी सेम इंस्टेंट पे सेम स्पीड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब जिस टी टाइम पे पहली कोलिजन हुई उसी टाइम पे वी स्पीड नेगेटिव में थी उतनी स्पीड सेम टाइम पे आप पॉजिटिव में मान लेंगे जैसे ही ये रिबाउंड हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसमें देखो यहां पर देखा जाए तो एक वी सेम स्पीड जो है वो नहीं हो रही है, यहां पर ये नेगेटिव में ही स्पीड है। ठीक है ना, इसका मतलब ये ग्राफ नहीं होगा, सेम इंस्टेंट पे पॉजिटिव में आ गई, फिर ये कंटिन्यूसली क्या होगी डिक्रीज होगी क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो v इज इक्वल टू माइनस जी टी से आप बताएंगे वेलोसिटी ऊपर की तरफ और सॉरी यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी u
और माइनस जी टी से आप ही टी टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ नेगेटिव स्लोप वाला आएगा ना, तो कुछ ऐसा रहेगा। और पीक पोजीशन पे यहाँ पे ये वापस जीरो वेलोसिटी और फिर से ये नीचे नेगेटिव में यहाँ पे देखो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ रिपीट होगा, ये वर्टिकल ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, रिपीट होता रहेगा। और डिस्टेंस जो है इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे कितना एच हाइट पे है, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस नीचे गिरेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस इज इक्वल टू यू जीरो है तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 जी डी स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ पैराबोला शेप क्या कुछ ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, और फिर ये वापस ऐसे ग्राफ को रिवाइज करेगा, ठीक है। कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद में कोलिजन हुआ, फर्स्ट कोलिजन एच की वैल्यू जीरो हो गई, फिर ये वापस ऊपर जाएगा एच हाइट तक, फिर ये वापस एच हाइट से नीचे आएगा, तो ये ग्राफ ऐसा रिपीटेड फॉर्म में फॉलो करेगा। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा डियर, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 अपन देखते हैं, टू इक्वल मास m1 एंड m2, ये m1 है और ये क्या है m2 है, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये मोशन कर रहे हैं। ये u1 इज इक्वल टू किससे चल रहा है, +3 से, और इसकी वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू कितना है, -5 है। इनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलाइड इलास्टिकली, इनके बीच में कोलिजन कैसा हुआ बेटा, इज इक्वल टू 1 वाला हुआ, और दोनों का मास क्या है m1 इज इक्वल टू क्या है m2 है। जब आइडेंटिकल पार्टिकल है और इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद में आपको पता है वेलोसिटी एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये जो है m1 जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, क्योंकि -5 m2 की थी, और m2 की क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है। तो -5 और +3 ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है, फोर्थ आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड सडनली एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, ए पार्ट ऑफ इट्स मास m बिकम एट रेस्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट विल बी। देखो ये एक कोई क्राफ्ट था, स्पेसक्राफ्ट, इसकी मास है m और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये स्पेस में है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और ये सडनली ब्लास्ट हुआ और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसका p इनिशियल क्या हो गया, कैपिटल m इनटू v हो गया। ब्लास्ट होने के बाद में ये एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है, ए पार्ट ऑफ मास बिकम इन रेस्ट, ये रेस्ट में हो गया, तो दूसरा जो मास है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल m माइनस स्मॉल m होगा, और ये किस v फाइनल वेलोसिटी से चलने लग गया, मान लो। तो p इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p फाइनल, तो p फाइनल क्या है, 0 प्लस कैपिटल m माइनस स्मॉल m इनटू v फाइनल, ठीक है। तो p इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, p फाइनल वेक्टर करेंगे, दिस एम्प्लाइज कैपिटल m इनटू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल m माइनस स्मॉल m इनटू v फाइनल करेंगे, तो v फाइनल यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल m v / m माइनस स्मॉल m माइनस स्मॉल m आ जाएगा। तो ये ऐसा आंसर जो है वो कौन सा आंसर आ रहा है बेटा, फर्स्ट आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो 56 में अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 57 है अपना, तो 57 में फर्स्ट आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है। नेक्स्ट 58, ए व्हील इनिशियली एट रेस्ट इज रोटेटेड विद एन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, द व्हील रोटेट थ्रू एन angle theta 1 in first 1 second and through an additional angle theta 2 in next 1 second, the ratio of theta 2 on में theta 1, angular displacement in nth second जो है वो theta nth जो है वो क्या होता है बेटा, omega naught plus alpha by 2 into 2n minus 1, यही होता है, ये तो 0 है, तो theta nth जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का देखना है ना आपको, तो थीटा 2 क्या है, थीटा 2 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस थीटा 2 है, हाँ वो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू
3 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और थीटा 1 क्या है, फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो थीटा 2 बाई थीटा 1 क्या हो जाएगा बेटा 3 अल्फा बाई 2 अपॉन में अल्फा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 3 बाई 1 आंसर आ जाएगा। तो 3 बाई 1 मतलब थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक टू इट। ये m मास का पार्टिकल था, ये v वेलोसिटी से चल रहा था, एक ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है 2m और ये क्या है स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट में है, और कोलिजन के बाद में ये दोनों क्या हो गए हैं स्टिक हो गए हैं, एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, तो ये m हो गया और ये 2m हो गया और इसकी वेलोसिटी मान लो v फाइनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, p इनिशियल क्या हो जाएगा m into v हो जाएगा और प्लस 0 है, और p फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा 2m plus m 3m into v फाइनल वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो p इनिशियल इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे v फाइनल कर देंगे, तो यहाँ से m into v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m into v फाइनल हो जाएगा, m से m गया, m into v है तो m से m को कैंसिल कर दो, v फाइनल क्या हो जाएगा बेटा v बाई 3 आ जाएगा। तो v बाई 3 इसका मतलब अपना आंसर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 59 में थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर मास m2 एट रेस्ट। देखो ये m1 मास है, ये 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये m2 मास है, ये क्या है रेस्ट में है। ठीक है, इनके बीच में कोलिजन हुआ, देन टू टुगेदर बिगिंस टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखो ये m1 और ये m2 दोनों क्या हो गए स्टिक हो गए, और ये दोनों किस वेलोसिटी से चलने लग गए 30 से चलने लग गए, तो रेशियो ऑफ m1 m2 बताना है अपने को। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं अपन, तो p इनिशियल इज इक्वल टू क्या कर देंगे आप p फाइनल वेक्टर कर देंगे, p इनिशियल क्या है m1 into 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 plus m2 into 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, m1 into 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m1 plus 3m2 हो जाएगा, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो गया m2 into 3, तो अपने को रेशियो क्या चाहिए m1 by m2, तो m1 by m2 का रेशियो कितना हो जाएगा 3 by 1, तो 3 by 1 अपना आंसर जो है वो कौन सा आंसर आ रहा है थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये अपन ने 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।